नई सुबह नई सहर नई सदा नई खबर नई फिक्र नई नजर जो चाह तुम में वो अब मिलेगा जुगन एट नाइन में ये सब मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गानिया प्रेजेंट्स जुगन एट नाइन। व्यूअर्स, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, आपका वीकेंड खुशगवार गुजरा होगा। हमारा तो शदीद ठंडा वीकेंड गुजरा, और बल्कि इतनी सर्दी लगी वीकेंड पे कि आज प्रोग्राम पे भी बाकायदा कंबल पहन के ऑनर आ गए। सारे छेड़े थे कि आज आपने कंबल पहना हुआ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, 2019 को ख़त्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी है, तो हमने सोचा कि हम आज पूरे साल का एक जनरल सा एनालिसिस करेंगे। 2018 में आवाम के साथ कौन से वादे जो हैं वो पूरे नहीं किए गए, फिर हम डिफरेंट सिटीज़ के ऑफकोर्स आज ब्यूरो चीफ से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके इलाकों में कौन कौन सी न्यूज़ जो है वो शेयर करना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स उनकी भी फीलिंग्स अबाउट 2019। तो आइए व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे हेडलाइंस हैं उन पे चलते हैं। मईशत और नैब जो है वो साथ साथ नहीं चल सकती, हुकूमत आसिफ अली जरदारी के बात से मुत्तफिक। पाकिस्तान में हैरान कुन कुदरती हुसन है, टूरिज्म के बेपनाह मौके मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ट्वीट। बिल आता नहीं, बिल आता है लेकिन गैस नहीं आती, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं गैस की लोड शेडिंग है तो कहीं कम प्रेशर का मसला है। पंजाब और इस्लामाबाद में 11वें दिन भी सीएनजी स्टेशन ना खुल सके, घरेलू सार्फीन को भी कम गैस प्रेशर का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा जो हमारे हिल स्टेशन है, बलाई इलाकों में शदीद सर्दी, पानी पाइपों में जम गया, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी है व्यूअर्स। रावलपिंडी डीएचए के एक घर में गैस भर गई, एक शख्स शाह भाग, तीन बेहोश, बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है ये व्यूअर्स। आलूदगी के बायस औसत उम्र में पहले अमवात की शरह में पाकिस्तान दुनिया के 5वां नंबर पे आ गया, 5th मुल्क बन गया। अली जफर ने दरियाए रोम के किनारे गाना गुनगुनाया और वो वायरल हो गया। तो ये है हमारी न्यूज़ एट द टॉप ऑफ द आवर, और आइए मुलाकात करते हैं अपने ब्यूरो चीफ से। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हम जाएंगे अपने फेवरेट ब्यूरो चीफ की तरफ, जिनके साथ हमारा बड़ा ही खूबसूरत साथ रहा है जुगन एट नाइन, सगीर चौधरी साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ हैं। अस्सलामुअलैकुम सगीर भाई, गुड मॉर्निंग टू यू। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी सुबह बखैर जुगन। अच्छा सगीर भाई, ये बताइए कि आप आज हमारे साथ क्या क्या खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आई'ड लाइक टू डिस्कस विद यू कि मईशत और नैब जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते, क्या कहेंगे आप? जी खबरें तो बहुत सारी हैं, चूंकि इसमें 2019 जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ है और तकरीबन उसमें एक दिन ही बाकी रह गया है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो पुराने मंसूबे थे वो कितने मुकम्मल हुए, ये एक बड़ा जो है वो अफसोसनाक भी है कि पुराने मंसूबे जो थे वो वहीं के वहीं हैं और उस पर लागत बढ़ चुकी है। और नैब और हुकूमत की यहाँ तक बात है, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा कि नैब और हुकूमत साथ साथ नहीं चल सकते। देखें, नैब की जानिब से अब एक नया तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया और जो कि सदर की जानिब से जारी हुआ, काबीना ने उसकी मंजूरी दी। अब देखें कि उसमें भी बहुत सारी सवालात उठ रहे हैं, खुसी तौर पर उस हवाले से कि नैब ने जो है हुकूमती अरकान और हुकूमती शख्सियात जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, खुसी तौर पर जो परवेज़ खटक हैं, इसके अलावा दीगर जो हुकूमती अरकान हैं उसमें वज़ीर आज़म तक भी शामिल हैं, जो कि मुख्तलिफ केसेस में जो है वो उनके खिलाफ केसेस नैब में अभी भी ज़ेर समात हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं और इसके अलावा बहुत सारी इंक्वायरीज़ हैं, तो उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नैब आर्डिनेंस में तरमीम की गई और उसके बाद जो है वो उसको नाफ़ज़ुल अमल किया गया। इसके अलावा जो कन्विक्शन है या जो रिमांड है वो 90 दिन से काम करके अब 14 दिन कर दिया गया, यानी एक जो अक्यूज़ है उसको गिरफ़्तार किया जाता है तो उसका रिमांड सिर्फ 14 दिन होगा। 14 दिन के अंदर अंदर ही नैब की जो तफ्तीशी टीम है उसे तफ्तीश करेगी, सबूत इकट्ठे करेगी और फिर रेफरेंस और चलान की सूरत में उसे अदालत में पेश किया जाएगा।
اس تناظر میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ حکومت اور نیب، چونکہ حکومت کی جانب سے بہت ساری انتقامی کاروائیاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زرداری صاحب کو انہوں نے باقاعدہ جیل میں ڈالا اور کئی ماہ تک جو ہے وہ بیماری کے عالم میں وہ جیل میں رہے، بالآخر پھر ان کو عدالت نے ضمانت دے دی اور اب وہ ضمانت پر جو ہے وہ باہر ہیں، چونکہ اس سے پہلے بھی نیب کے وہ نشانہ بنے تھے اور 11 سال تک انہوں نے جیل کاٹی تھی، چونکہ وہ نیب کو تو اس لیے نہیں بھول سکتے کہ نیب کا ان کا بڑا ایک تلخ تجربہ ہے کہ اسی نیب کے بے بنیاد ریفرنسز تھے، ان میں ان کو 11 سال جیل ہوئی اور 11 سال جیل کاٹنے کے بعد پھر فیصلہ کیا ہوا کہ وہ بری ہو گئے اور انہی عدالتوں نے ان کو بری کیا کہ جو کرپشن کے ریفرنس تھے وہ تو بے بنیاد تھے اور ان کا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ تو وہ درست کہہ رہے ہیں کہ جو نیب اور حکومت ہے وہ اکٹھے نہیں چل سکتے، چونکہ نیب میں بہت سارے ابھی بھی چیزیں ایسی ہیں جو سامنے بظاہر ہر کسی کو نظر آتی ہیں کہ کچھ اپوزیشن کی طرف جو ہے وہ زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے اور اپوزیشن کو زیادہ کھینچا جاتا ہے، وکٹمائزیشن بھی مختلف پارٹیوں کی طرف سے جو ہے وہ ان کو ایک الزام سامنے آتا ہے نیب کا، اور خصوص طور پر حکومت کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ سیاسی انتقامی کاروائی کے لیے نیب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جو ہے وہ یہ بار بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ نیب جو ہے اس کو انتقامی کاروائیوں کے لیے حکومت نے رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد دیکھا کہ پولیٹیکل جتنی بھی خصوصی طور پر جو اپوزیشن ہے وہ تقریباً ساری جیلوں میں ہی ہیں اس وقت، تو کچھ لوگ ہیں باہر ہیں لیکن ان کے خلاف بھی جو ہے وہ مختلف انکوائریز جو ہیں وہ انڈر پروسیس ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی گرفتاری عمل میں نہ آ جائے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گرفتاری سے متعلق بھی خبریں تھیں کہ جب وہ پیش ہوں گے تو شاید ان کو بھی گرفتار نہ کر لیا جائے، اسی طرح جس طرح کچھ دن پہلے احسن اقبال کو گرفتار کیا گیا تھا، اور آپ نے بھی دیکھا اور آپ نے خبر بھی دی تھی کہ احسن اقبال کو اب جسمانی ریمانڈ پر جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور عدالت کی جانب سے جسمانی ریمانڈ ہے۔ تو یہ نیب کی اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے، خصوصی طور پر پیپلز پارٹی میں، اور چونکہ پیپلز پارٹی کا بڑا تلخ تجربہ رہا ہے اور زرداری صاحب جو کہ نیب کو بھگت چکے ہیں 11 سال، اور 11 سال بھگتنے کے بعد انہیں بے گناہ قرار دیا گیا، اب بھی وہ بیماری کے عالم میں ہیں اور ان کو اس بیماری کی حالت میں جس طرح سے رکھا گیا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کی انجیوگرافی نہیں انہیں دی گئی، عدالت سے اگر ان کو طبی بنیادوں پر ضمانت کے لیے اپلائی کرتے تھے تو نیب جو ہے اس میں رکاوٹ بنتا رہا اور پروسیکیوشن کی جانب سے سخت مخالفت کی جاتی رہی، اور لیکن بالآخر جو ہے وہ اعلیٰ عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ تو یہ وہ ان کا ایک خدشہ ہے اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جو ہے وہ اکثر اس چیز کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اکٹھے نہیں چل سکتے، تو یہ تو نیب کی نیب میں بھی بہت سارے مسائل ہیں ابھی، کیونکہ 1 سال گزر گیا اور نیب کی جو کارکردگی ہے اس پر بھی بہت سارے کوشچن مارکس جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں، اور اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن زیادہ ہے، اور اب جو نیب کا ترمیمی آرڈیننس ہے اس میں جو مخصوص طبقہ ہے جس میں بیوروکریسی ہے اور اس کے علاوہ کاروباری طبقہ ہے اس کو بالکل چھوٹ ہے، 50 کروڑ تک جو ہے وہ کرپشن کا کیس نیب نہیں کرے گی، 50 کروڑ یا اس سے زیادہ ہوگا تو پھر نیب اس میں تحقیقات کر سکے گی نئے ترمیمی آرڈیننس کے تحت، اس سے کم ہوگا تو پھر دیگر ادارے جو ہیں وہ کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر ثبوت نہیں ہے تو وہ کیسز خود بخود ختم ہو جائیں گے، اس کے علاوہ جو سزائیں ہیں چل رہی ہیں اس پہ بھی وہ کمی ہو سکتی ہے یا وہ ختم ہو سکتی ہے، جو نیا ترمیمی آرڈیننس ہے اس میں وہ سپورٹیو ہے اور سپورٹ اس کو مل سکتی ہے ملزم کو۔ تو یہ بہت سارے چیزیں ہیں، نیب آرڈیننس چونکہ پہلے ہی ترمیمی آرڈیننس جاری ہوا تو اس میں بہت ساری باتیں ابھی ہو رہی ہیں، چونکہ یہ ہائی کورٹ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہو چکا ہے، اور اب جو ہے وہ اس کی حیثیت پر دلائل بھی ہوں گے، عدالت میں اس کی وضاحت بھی ہوگی کہ نیب ترمیمی آرڈیننس جو ہے یہ ویلڈ ہے، کیا اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے، یہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ لیکن اس کو لے کے جو ہے وہ بہت ساری سیاسی جماعتیں اور بہت سارے حلقے جو ہیں وہ تشویش کا اظہار بھی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیٹس ہوپ کہ نیکسٹ ایئر از اے بیٹر ایئر ان دیٹ کیس۔ صغیر صاحب، ہمیں بائی دی وے ویورز آصف جعفری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ہمارے کراچی کے بیورو چیف ہیں۔ السلام علیکم آصف صاب، ویلکم ٹو جگن ایٹ 9، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اچھا صغیر صاحب، ایک اور بات آف کورس، اور اس پہ تو آپ کا اور آصف جعفری صاحب دونوں کا اوپینین میں لینا چاہوں گی، کہ پاکستان میں حیران کن
kudrati husn hai. To agar hum Karachi ke end pe dekhe to seaside, then if we look towards Islamabad and the northern regions, to kya kahenge aap log isse related? Sabse pehle of course Zehra bhai, aap bataiye. Juggun sahab, mujhe aapki awaaz theek nahi aayi, mujhe ek sawal zara dobara dohraenge aap? Main Asif sahab, ek to assalam alaikum, aapko welcome kar rahi thi program pe, aur dusri baat ye ki ek walaikum salam tweet ki hai Prime Minister Imran Khan sahab ne ki Pakistan khoobsurat sarzameen hai aur Pakistan wo dharti hai jisme kudrati ajaib matlab har kisam ka khazana chupa hua hai, to iske bare mein aap kya kahenge, kyunki tourism hamare mulk mein us level ki hai nahi jitna zyada husn hamare mulk mein actually exist karta. جی ٹوریزم پاکستان کا جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے بہت خوبصورت تحفہ ہے لیکن ہم اس تحفے کو آج تک اس طرح استعمال نہیں کر سکے اگر میں سندھ اور کراچی کی بات کروں کہ میں کراچی کی نمائندگی کر رہا ہوں ہمارے بیچز اتنے خوبصورت ہیں یہ جو آپ تھوڑا سا کراچی سے باہر نکلیں آپ بلوچستان کی طرف جاتے ہیں تو اس قدر خوبصورت بیچز ہیں وہاں پہ کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان اسے ڈیولپ کرے تو وہ بیچز کسی لحاظ سے یورپین بیچز سے کم نہیں ہو سکتے ہمارے پاس گوادر کا اتنا خوبصورت جو ہے وہ سمندر ہے اور جسے آپ جہاں پہ قدرتی حسن ویسے ہی اتنا ہے کہ آپ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ مبارک ویلیج ہمارا جو ہے وہاں پہ اور یہاں کراچی سے باہر نکلیں آپ تو کتنی ہماری ساحلی پٹی اتنی لمبی ہے کہ ہم اس کو بہت اچھی طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں یہ تو میں نے صرف کراچی کی بات کی ہے اب آ جائیں سندھ کی طرف سندھ میں ہمارا تھر اس قدر خوبصورت ہے تھر کہ اس کو اگر ڈیولپ کیا جائے جب تھر میں بارش ہوتی ہے جب سبزہ اگتا ہے تو وہ اس قدر خوبصورت ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ریگستان میں اس طرح کا جو ہے وہ میں ایک اردو میں اس کے لیے بڑا اچھا ورڈ ہے کہ نخلستان کا ایک منظر پیش کرتا بالکل, ہے وہ بالکل. اور وہاں پر جب بارش کے بعد جو سبزہ اگتا ہے وہ تھر کی خوبصورتی میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے کہ وہ ایک جنت نظیر لگتی ہے اور ایک لگتا ہی نہیں کہ یہاں پہ کبھی یہاں پہ ویرانی تھی یا کوئی تھی اس طرح ہمارے ریگستانوں کی خوبصورتی بہت پیاری ہے خدا نے ہمیں ہر چیز سے جو ہے وہ نوازا ہے ہمیں ریگستان بھی دیے ہیں ہمیں سمندر بھی دیا ہے ہمیں پہاڑ بھی دیے ہیں ہمیں میدانی علاقے بھی دیے ہیں اور ہمیں کلچرلی ہم اتنے اسٹرانگ ہیں سندھ کا کلچر ہے مونیومنٹس ہیں ادھر اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ ہسٹوریکلی اور ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہندوؤں کے اور جو یہاں سندھ کے اندر ان کا کلچر تھا ہم اسے ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں وہی تو بات ہے نا آصف صاحب بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس لیول کا پاکستان میں تو ہمارے پاس چاروں سیزنز ہیں ہر قسم کے ماؤنٹنز ہیں ڈیزرٹس ہیں پلیٹوز ہیں ہمارے پاس سی سائڈ ہے لیکن ایکچولی جو ہے ان چیزوں کو ڈیولپ نہیں کیا جا رہا صغیر بھائی آپ کیا کہیں گے کہ اتنا اگر حیران کن پاکستان میں قدرتی حسن ہے تو ہماری ٹورزم انڈسٹری زیادہ ڈیولپڈ کیوں نہیں ہے جی جی دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے جگن کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرتی حسن دے رکھا ہے کہ جو باہر کے سیاح ہیں خصوصی طور پر چونکہ ہم اسلام آباد میں ہیں اور اسلام آباد کی جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے وہ مختلف ٹویٹ کرتی رہتی ہے اور مختلف ممالک کے جو سفیر ہیں وہ جب شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں یا مختلف علاقوں میں جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے تو وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور اس میں وہاں کے قدرتی حسن کو وہ باقاعدہ اپنے ٹویٹ میں اس کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بالکل وہ اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ برملا یہ بتاتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ٹوریزم ہے اور جتنے پاکستان کے اندر قدرتی مناظر دیکھنے کو انہیں ملتے ہیں شاید دنیا میں وہ بہت زیادہ گھومیں ان کو شاید نہیں ملتے میں اب دیکھیں ایک بلیو ریک ایک سڑک پہ کھڑا ہوں آپ اس کا منظر دیکھ لیں کہ کتنے خوبصورت جو ہے وہ درخت ہیں اور یہ کتنا خوبصورت منظر صبح صبح پیش کر رہے ہیں اسلام آباد میں ہی اگر بات کر لیں تو اسلام آباد میں مارگا ہلز اتنی خوبصورت ہیں کہ جگن آپ کا تو اتفاق ہوا ہوگا آپ اگر شام کو دامنے کو جائیں اور وہاں سے شہر کا نظارہ کریں تو جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کتنا زیادہ موڈ اچھا ہو جاتا ہے کہ شہر میں ایک چراغاں ہوتا ہے اور اوپر سے وہ ہل ویو جو ہے آپ کر رہی ہوتی ہیں ہل سے آپ نیچے جو ہے وہ پورے شہر کا نظارہ کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح اگر ساتھ ہی اس کے بالکل مری ہے پورے ملک سے سیاح جو ہے وہ مری آتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے
कि हमने इन जो कुदरती हुसन है इसको महफूज नहीं किया। वहाँ तक जाने के लिए ज़ाहिर है कि अगर छोटे छोटे स्पॉट बनाए जाएँ, सड़कें अच्छी हों, वहाँ पे बेहतर मौके हों, लोगों को चीज़ें जो हैं वो अच्छी मिलें, खाने पीने की अच्छी, रेस्टोरेंट अच्छे हों, तो ये हमारी इनकम 3 से 4 गुना बढ़ सकती है। वही वाली बात है सलीम भाई, आई हैव टू टेल यू कि मेरी कज़न की फॉरेनर से अभी शादी हुई है, तो वो कराची में भी एक फंक्शन था, अब 2 फंक्शन थे, फिर अभी इस्लामाबाद में भी मैं गई हुई थी वीकेंड पे, वहाँ पे भी फंक्शन था। तो इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो उनके हस्बैंड हैं और उनके जो उनकी जो मदर हैं और उनके भाई हैं और उनके भाई की मिसेज हैं, वो मुझे यही बात कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है और इतना कल्चरली रिच मुल्क है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो जो आपको लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा फैसिलिटीज़, अगर फैसिलिटीज़ बेहतर हो जाएं और सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स हैं वो बेहतर हो जाएं। वैसे तो वो काफ़ी सरप्राइज थे कि जो पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान से बाहर रहते हुए वो सुनते हैं वो बिल्कुल इनकरेक्ट है कि पाकिस्तान में आप घूम फिर नहीं सकते और आप इंजॉय नहीं कर सकते और मतलब बहुत सिक्योरिटी इशूज़ हैं। सो द पॉइंट इज़, एक तो हमारी नेगेटिव जो प्रोजेक्शन होती है बाहर, और दूसरी बात हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ नहीं डेवलप होती है। अगर इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी तरह से किसी भी मुल्क से पीछे रहेंगे इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। अच्छा, मैंने अब बात करनी है जो गैस की लोड शेडिंग का कराची में भी इशू है और इस्लामाबाद में मेरे ख्याल से 11वें दिन से CNG स्टेशन नहीं खुले। तो सबसे पहले तो आसिफ भाई आपकी तरफ चलते हैं वापस, आसिफ जाफरी साहब जो हमारे ब्यूरो चीफ है कराची के, कि कराची में गैस की लोड शेडिंग का क्या स्टेटस है? सुना है कि गैस का प्रेशर भी नहीं आ रहा सही वहाँ पर। जी, कराची में तो बहुत बुरा हाल है। हमारी कराची में मोस्टली ट्रांसपोर्ट जो है वो CNG पे है, जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ और रक्शे वगैरह, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो परेशान जो हैं वो ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, क्योंकि गाड़ियाँ और रक्शे जो हैं वो CNG पे चल रहे हैं। CNG जो चीज़ अनाउंस की जाती है कि आज इतने बजे खुल रही, उतने बजे खुलती नहीं है, और अगर खुलती भी है तो वो 2 से 4 घंटे के लिए खुलती है। और पिछले 4 दिनों से हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इस पर, अगर आप वहाँ पे कतार देखें, लाइनें देखें, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं कि अगर 7 बजे का टाइम दिया हुआ है CNG खुलने का तो लोग 1.5-2 घंटा पहले ही आ जाते हैं, और इतनी लंबी कतार होती है CNG की स्टेशन पे, CNG स्टेशन पे, कि वहाँ पे वो किया जा सके। और दूसरी बात, आप जब प्रेशर की बात करें कि गैस का प्रेशर इतना कम है कि बाज़ जगहों पे तो गैस आ ही नहीं रही है, ये चीज़ भी हमने रिपोर्ट की है, और सुबह भी हमने इस पे जो है वो हमारा न्यूज़ थी इसके ऊपर। असल प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि एक तो ठंड बढ़ गई है और गैस का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, और दूसरा जो हम जो एक गैस का मिलना है जो कोटा, जो सिंध और कराची को है, उसके अंदर भी जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, और वो उस वजह से नहीं उसके चीज़ को मीट कर पा रहे हैं जो इनके टारगेट्स होते हैं। और सरदस्त इस वक्त भी जो है, आप हमारे रिपोर्टर के मुताबिक गैस का प्रेशर मुख्तलिफ जगहों पर कम है और लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल सही आसिफ साहब, ये तो ऑब्वियसली कराची में भी, आई नो लाहौर में भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बट लेट्स गो टुवर्ड्स सगीर भाई। सगीर भाई, इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है? पंजाब और इस्लामाबाद में सुना है कि 11वें दिन भी CNG स्टेशन ना खुल सके और घरेलू सार्फिन जो हैं वो गैस प्रेशर की भी कमी का भी सामना कर रहे हैं, पावर प्लांट्स को भी गैस की कम फरहमी है, 5-5 घंटों तक गैर ऐलानी लोड शेडिंग जारी, आप इस पर क्या हमें अपडेट देंगे? जो कि देखें, CNG की किल्लत अब जो है वो दूसरे हफ्ते में थी है, साल का इख्तिताम भी है, लेकिन मसाइल वही हैं जो पुराने थे, और इतनी बदतरीन किस्म की बंदिश है कि चूँकि बहुत ज़्यादा, असफ ने भी जैसे बताया कि गाड़ियाँ CNG पे हैं, लोगों की जो इस्तेदाद है उसमें खसूसी तौर पर जो पेट्रोल के हवाले से है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, चूँकि पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा है तो लोग CNG को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सूरत हाल ये है कि हमारा रावलपिंडी और इस्लामाबाद है और यहाँ पर लोग तरसे हुए हैं और जो CNG स्टेशन होते हैं ललचाई नज़रों से देखते हैं, खासतौर पर जो टैक्सी ड्राइवर हैं या छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो हमसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि ये आखिर कब होगी गैस की बहाली, कब होगी CNG, कब बहाल होगी, लेकिन ना तो हमारे पास कोई जवाब है, ना ही जो हुकाम है या मुतलका हुकाम है वो जो है वो कोई अब तक वाजे तौर पर कर सके हैं कि भाई CNG कब खुलेगी। और दूसरी, लोड शेडिंग जो है वो सार्फीन को गैस की फराहमी हुई उस तरह से नहीं हो रही, एक तो गैस का प्रेशर कम है,
दूसरी घंटों जो है वो लोड शेडिंग होती है गैस की, जिससे लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। और अगर बिजली की बात की जाए तो हम सुनते थे कि बिजली की लोड शेडिंग गर्मियों में होती है, चूँकि गर्मियों में डिमांड बढ़ जाती है, लाइन लॉसेज होते हैं इस वजह से, तो अब ना लाइन लॉसेज हैं और फिर लोड शेडिंग हो रही है। यही गवर्नमेंट जो कि मजाक उड़ाया करती थी सबका हुकूमत का, कि जो सबका हुकूमत है वो लोड शेडिंग कर रही है, और मुख्तलिफ उनके कार्टून बनाए जाते थे, सोशल मीडिया पे बड़ी कंपेन होती थी। तो अब देखें कि सूरत हाल ये है कि सर्दियों में जबकि डिमांड ना होने के बराबर होती है, बहुत कम होती है, तो सर्दियों में भी जो बिजली की लोड शेडिंग है उस पर कंट्रोल नहीं है, काबू नहीं है। और अगर सुबह जाती है तो शाम को लाइट आती है, ये इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, और उसमें अगर आप उनसे पूछ लें कि ये बिजली की लोड शेडिंग क्यों हुई है, तो वो कहते हैं लोड शेडिंग नहीं है, मेंटेनेंस है। और ये देखें सात सात आठ आठ घंटे की मेंटेनेंस के नाम पे लोड शेडिंग हो रही है, जो कि अनअनाउंस्ड है, और ये एक क्राइम भी है कि आप अपने सार्फीन को जो आपको इतना बिल देते हैं उसको बताए बगैर लोड शेडिंग करते हैं। और जब कोई सार्फ ये पूछता है कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है, तो उसको कहा जाता है कि ये मेंटेनेंस के नाम पे है। हालांकि पिछले कई दिनों से, यानी कई हफ्तों से, ये मेंटेनेंस के नाम पे घंटों तक जो है वो लोड शेडिंग होती है, जिसमें चार से पाँच छः और सात सात घंटे तक इसका दौरानिया होता है। लोग जो है वो बहुत परेशान भी हैं कि ये गर्मियों में होती थी, और गर्मियों से लोग जो है वो उन्होंने ये सोचा था कि इस सर्दियों में जो है उर्दियों में जो है वो लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है जो चीज़ मुझे सगीर भाई बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, वो ये है कि देखे ना बिजली आ रही है ना गैस आ रहा है, लेकिन बिल जो है वो रिडिकुलसली हाई आ रहे हैं। देखिए, अगर आप गैस भी नहीं इस्तेमाल कर रहे और आप बिजली भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो फिर कम अज़ कम बिल में तो कोई कमी आनी चाहिए ना। मसला ये है कि बिल रिडिकुलसली हाई आ रहे हैं, और ना आप गैस इस्तेमाल कर पा रहे हैं ना आप बिजली इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो ये कहाँ की इंसानियत है, मुझे तो इस चीज़ पे नहीं समझ आ रही। खैर, ये हम कंटिन्यू करेंगे अपने सारे जो ब्यूरो चीफ्स हैं उनके साथ। हमें जमशेद साहब को भी वेलकम करना चाहेंगे, जमशेद रिजवानी साहब ब्यूरो चीफ मुल्तान ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जमशेद भाई। जी जमशेद भाई से हम बात करेंगे ब्रेक के बाद वापस आके। तीनों ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। व्यूअर्स, वी विल डिस्कस महंगाई आल्सो एंड ऑफ कोर्स वो कौन से वादे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। 2019 का एंड है, सेकंड लास्ट डे ऑफ द ईयर है, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हमारे कराची के ब्यूरो चीफ भी हैं, आसिफ जाफरी साहब, जमशेद रिजवानी साहब, बिनी साहब ब्यूरो चीफ मुल्तान, एंड ऑफ कोर्स सगीर चौधरी साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। हमारे साथ ये सारे प्यारे प्यारे मेरे भाई हैं, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ देम। अच्छा, मुझे पता है कि जमशेद रिजवानी साहब ने हमें, आई थिंक ही हैज़ टू लीव, तो जल्दी से जमशेद, अच्छा नहीं, आसिफ जाफरी साहब हैज़ टू गो। तो आसिफ साहब, ये बताइए कि हमें ज़रा वो तो कहते ना ओवरव्यू दे दें फ्रॉम द सिंध साइड के कौन सी कमिटमेंट्स की गई और कौन सी कमिटमेंट्स नहीं पूरी गई की गई इस साल। अगर मैं लिस्ट की बात करूं जो कमिटमेंट्स की गई वो तो बहुत लंबी है जो पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। उम्मीद जो है वो हमारी कभी भी उसका दामन नहीं छूटना चाहिए। कराची के लिए रात को खुशखबरी मिली हमें कि कराची के में डेवलपमेंट का काम जो है मुकम्मल हुआ है, और आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तकरीबन 1,74 करोड़ रुपए की लागत से जो अंडर पासिस कराची में बनाए गए थे वो मुकम्मल हो गए हैं। कराची में आप खुद भी यहाँ अक्सर आती रहती हैं, कराची में सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक के फ्लो का होता है। बिल्कुल, कराची में ट्रैफिक का अजधाम होता है, और वो अगर जब जाम होती थी ट्रैफिक तो बहुत बुरा हाल होता था। बहुत बड़ा मसला ट्रैफिक का था, जो सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक उस पर काम किया और वो मुकम्मल हो गया है। आज जो है, आज के दिन जो है वो 4 अंडर पासिस जो 2.5 नंबर कुरंगी पे अंडर पास है वो हमारा मुकम्मल हो गया है। 33 करोड़ रुपए उस पर लागत आई है। कुरंगी 5 नंबर पे जो ब्रिज था वो 33 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो मुकम्मल हो गया है। इसके अलावा हैदर अली अंडर पास जो है वो 66 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल हो गया है। और इसी तरह कैंट स्टेशन के इतराफ में सड़क की तामीरात जो थी वो भी, उस पर भी तकरीबन 42 करोड़ रुपए लागत आई है और वो भी मुकम्मल हो गया है। ये आज की कराची के लिए खुशखबरी है। और रही बात
कमिटमेंट की तो मैं एक चीज़ बताऊंगा, कराची को सबसे बड़ा मसला इस वक्त पानी का है। आप इससे ज़्यादा क्या जुल्म कहेंगे कि कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी ख़रीदा जाता है, जहाँ पे जो घरेलू इस्तेमाल का पानी है यानी नहाने के लिए और जो है दीगर ज़रूरियात के लिए पानी ख़रीदा जाता है, और ये इससे बढ़कर इस शहर पर क्या जुल्म होगा कि फोर मनसूबा जो अरसे से वादा किया जा रहा है कि मंझर झील से जो है वो कराची में जो है वो 121 किलोमीटर लंबा जो है वो पाइपलाइन बिछा के यहाँ पर सिस्टम लाया जाएगा, लेकिन ये भी अभी तक फाइलों में मौजूद है और वादों और जो है वो बातों में मौजूद है, लेकिन ज़मीनी हकायक में ये अभी तक सामने नहीं आया। ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है कराची वालों के साथ जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। दूसरा जो है वो ग्रीन लाइन जो है मनसूबा है, इसकी वजह से सब लोग परेशान हैं क्योंकि ये पूरे शहर में से गुजर रही है और इसकी तामीरात की वजह से अभी तक जो है वो ट्रैफिक जाम होती है और लोगों को मुश्किलात का सामना रहता है। ये भी एक वादा कराची वालों से किया गया था, वो भी पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा जो है वो आपका मुख्तलिफ जगहों पे चीज़ें हैं, और सबसे बढ़कर आपके ही शो में कई बार इस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया, कराची में गंदगी की जो सफाई थी वो भी वादा पूरा नहीं हो सका। 2019 ख़त्म होने को है लेकिन वो वादे, वो दावे, वो तमाम, मैं इसमें सिर्फ सिंध गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूंगा, इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी जो है उसने भी दावा किया था कि हम आ रहे हैं, यहाँ पीटीआई के रहनुमा जो थे इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा सियासत की और उसके ऊपर जो है उसको बहुत हाईलाइट किया, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर सिर्फ दावों तक ही हमें नज़र आईं। ज़मीनी हकायक ये हैं कि आज भी कराची में गंदगी है, आज भी कराची में जो है वो कूड़ा नहीं उठाया जाता। और तीसरी चीज़ इंक्रोचमेंट है। बहुत शोर हुआ 2019 में कि इंक्रोचमेंट ये कर देंगे, इंक्रोचमेंट वो कर देंगे। आज इस पे जो है एक रिपोर्ट बनेगी हमारे कराची से कि जो इंक्रोचमेंट जो साफ हुई थी वो क्या उसकी सूरत हाल है और क्या अब तक जो है इंक्रोचमेंट पे काम किया गया। ये सब दावे थे, लेकिन दावों के साथ साथ कुछ चीज़ें हमें नज़र भी आई हैं। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में ही बता दिया था कि कराची में खुशखबरियाँ भी हैं कि वहाँ पर ट्रैफिक के जो बहाव होता था वो अब बेहतर हो जाएगा और जो फ्लो होता था ट्रैफिक का रुका होता था वो बेहतर हो जाएगा। सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है, काफ़ी काम किया है, हस्पताल्स में भी काम हो रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे भी काम हो रहा है, लेकिन चूंकि मसाइल इतने ज़्यादा हैं और वसाइल इनके पास इतने नहीं हैं उस वजह से ये काम पूरा उस तरह नहीं कर रहे हैं। ग्रीन लाइन मनसूबे की पहले गवर्नर साहब ने जो है वो फरवरी की डेट दे दी थी लेकिन बाद में यू टर्न ले लिया कि नहीं ऐसा नहीं है, 6-7-8 माह लग जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मनसूबा है ग्रीन लाइन का, ये अगर कराची में आ जाता है तो बहुत ज़्यादा मसाइल इसके हल हो जाएंगे। लेकिन नटशेल में अगर बात करूँ तो सबसे बड़ा मसला कराची को पानी दे दें, बिल्कुल ये अगर पानी मिल जाए कराची को तो बहुत से लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स बिल्कुल सही कहा आसिफ जाफरी साहब ने, हमारे कराची के ब्यूरो चीफ में, कराची में पानी का इशू है, कराची में गंदगी का इशू है, ऑफकोर्स महंगाई का इशू तो पूरे पाकिस्तान में है, फिर बिजली का, गैस का। व्यूअर्स मुझे बताएं कि कराची इतनी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है लेकिन कराची के मसाइल के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा, और मतलब अगर किया भी जा रहा है तो एक बहुत माइन्यूट लेवल पर। आई होप कि 2020 जो है वो कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव ईयर होगा। अच्छा सगीर भाई, आपसे मैंने अपडेट लेनी है ऑफकोर्स कि वो कौन सी कमिटमेंट्स थी जो नहीं पूरी गई, एंड ऑफकोर्स मैंने जमशेद रिजवानी साहब से भी लेनी है, लेकिन उस तरफ जाने से पहले सिर्फ एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सगीर भाई, एक न्यूज़ आई कि रावलपिंडी DHA के घर में गैस भर गई और गैस भरने की वजह से एक शख्स जाँ बहक हो गया और 3 बेहोश। सुना है कि बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है, ज़रा हमें अपडेट देंगे? जी बिल्कुल, ये जो है वो बड़ा अफसोसनाक वाक़ है कि एक शख्स की हलाकत हुई और 3 जो है वो दम घुटने से, गैस भर जाने से DHA जो एक पौश इलाका है वहाँ पर बेहोश हैं, उनको जो है वो दिया जा रहा है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये हम प्रोग्राम के हवाले से, आपके प्रोग्राम के हवाले से नाज़रीन को आगाही भी देना चाहते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो गैस के हीटर हैं खुदारा उन्हें जो है वो सोते वक्त ज़रूर बंद करें, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग हो जाती है और जब आप सो जाते हैं तो उस वक्त गैस आती है दोबारा, तो आपको पता नहीं होता और कमरे में गैस भर जाती है, सफोकेशन होती है और उससे दम घुटता है और फिर हलाकते होती हैं, जानी नुकसान होता है, माली नुकसान भी होता है।
तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस देना कि गैस के जो खसूसी तौर पर हीटर जलाए जाते हैं या चूल्हा है वो खुला छोड़ दिया जाता है उसका, तो वो उसको ज़रूर बंद किया करें। इससे बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह के हादसात रूनमा हो चुके हैं, जिस तरह DHA का हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हैं। और कल हमारे जो है वो जनाज सुपर में एक रेस्टोरेंट है जुगन, वहाँ पे गैस सिलेंडर का धमाका हुआ था, बड़ा अनफॉर्चुनेट था और 20 लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुँचा और कई इमारतों को भी नुकसान पहुँचा और बड़ा खौफनाक किस्म का धमाका था जो परसों रात जो है हुआ और उससे खौफ भी इलाके में फैला। तो ये इस तरह के वाक़यात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, खुसूसी तौर पर सर्दियों में जब हम गैस हीटर अपने खुले छोड़ देते नहीं, हैं। बट ये भी तो देखिए ना सगीर भाई, गैस के हीटर्स तो लोग चला ही लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो गैस की प्रेशर को बढ़ाने के लिए पता नहीं एक वो कोई डिवाइस भी लगा लेते हैं, और वो डिवाइस लगाने की वजह से कभी तो प्रेशर तेज आ रहा होता है और कभी बहुत ही ज्यादा तेज आना शुरू हो जाता है। अब ये जो जिस शख्स के की डेथ हुई है, उस लड़के की फैमिली के लिए आसानियां पैदा करे, उसकी शनाख्त मुनव्वर हुसैन हुई है और शायद उसका वलीमा था then, so he got married that day, घर आया, ये वाकया हुआ and अब वो हम लोगों के साथ नहीं है, और जो लड़के बेहोश हैं उनमें अजहर अजमल और असलम हुसैन हैं। सो द पॉइंट इज यू नो ये भी तो प्रॉब्लम है ना, अगर गैस की फरहमी एक नॉर्मल अमाउंट की हो, अगर बिजली आती हो तो चले लोग बिजली के ब्लोअर वाले हीटर ही लगा लें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जब कोई फैसिलिटी नहीं है तो इंसान मजबूरी में फिर ये चीज़ें करता है। और सिलेंडर्स तो आपको पता है कि हम हमेशा अपने प्रोग्राम में सिलेंडर्स के खिलाफ बात करते हैं कि प्लीज़ गैस के सिलेंडर्स का ना इस्तेमाल करें, लेकिन घर में खाना भी बनाना है, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो बच्चों को बुजुर्गों को वार्म भी रखना है, तो सगीर भाई इंसान करे तो क्या करे, बट येस यू आर राइट व्यूअर्स, प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से आगे बढ़ें। अब सगीर भाई आपके पास मैं वापस आऊँगी। जमशेद रिजवानी साहब, सर मुल्तान के एंड से, आपके एंड से आप बताएं कि क्या ऐसे कमिटमेंट्स, ऐसी प्रॉमिसेस हैं जो पूरे नहीं हुए अभी तक? मेरा ख्याल है कि हम जुगन बहुत से जो वादे हैं उनकी बजाय अगर जनूबी पंजाब और इस स्ट्राइक इलाके की बात करें तो उसमें एक ही बड़ा वादा था जिसका इंतज़ार है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की का जो मंशूर था और इंतखाबी वादा है कि जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाएगा, उस पर बात कर लेते हैं। तो लेकिन जाहिर है कि दो तिहाई अक्सरियत PTI को नहीं मिली है, तो लेकिन एक वादा उन्होंने किया कि हम जो एक इंतजामी स्टेप था कि हम जनूबी पंजाब में सब सेक्रेटेरिएट कायम करेंगे और यहाँ पर मुतलका महकमों के स्पेशल सेक्रेटरीज बैठेंगे और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठेगा, और जो बहुत से काम लाहौर जाना पड़ता है लोगों को यहाँ के दूर दराज इलाके से, वो कम से कम उनको सहूलत मिलेगी। डेढ़ बरस हो गया है ये, तो इस साल बजट में PTI का मेन पॉइंट था ना, ये वन ऑफ द मेन मौकफ थे जब इन्होंने अपना बिल्कुल जनूबी पंजाब के लिए जो सबसे बड़ा इंतखाबी वादा था, मंशूर में भी था, और फिर उन्होंने बहुत से सराइकी इलाके के लोगों को अपने साथ इस लिहाज से शामिल किया था। जनूबी पंजाब सुबह महाज आपको याद होगा, मखदूम खुसरो बख्तियार और नसरुल्लाह दरेशा को मीर बलाशीर मजारी साहब की क्यादत में जब यह हुआ था, तो उसमें देखिए 3 अरब रुपए रखे गए हैं इस बजट में, लेकिन 6 महीने में उनमें से कितने पैसे खर्च हुए अभी तक यहाँ पर, उस हवाले से कोई पेशरफ्त जनूबी पंजाब में, मुल्तान में, बहावलपुर में देखने में नहीं आ रही है। तो ये वो वादा है जो हर कोई याद भी कराना चाहता है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को याद रखना भी है। जी जुगन, बिल्कुल सही आपने कहा। चले सगीर भाई आप हमें बताइए कि एक ओवरव्यू दें कि जो देखें PTI के मैनिफेस्टो में बहुत सी चीज़ें थी जो पुट फॉरवर्ड की गई, ये भी होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, लेकिन वो चीज़ें होती भी नज़र नहीं आईं। और बात यह है कि अवाम इतनी डिसहार्ट हो चुकी है, इतनी डिसअपॉइंटेड हो चुकी है कि हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे पूरी एक ओवरव्यू लेंगे कि कमिटमेंट्स क्या की गई और कहां तक उन कमिटमेंट्स को पूरा किया गया और अब मजीद क्या कमिटमेंट्स की जा रही हैं आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हमारे साथ हमारे कराची के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी साहब हैं एंड जमशेद रिजवानी साहब हमारे ब्यूरो चीफ फ्रॉम मुल्तान। अच्छा सगीर भाई आप हमें एक कंप्लीट ओवरव्यू दें, व्हाट क्या कमिटमेंट्स की गई और क्या कमिटमेंट्स पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमने जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट किया था सबसे पहली बात आप यही करना चाह रहे थे, तो आइए अब इस तरफ चलते हैं।
जुगन देखिए बहुत कुछ इसमें वो पहले ही कहा जा चुका है, हमारे मुख्तलिफ ब्यूरो चीफ साहबान ने इस पर काफ़ी तफसील से बात की अपने अपने इलाके के मसाइल के हवाले से। आपको याद होगा जुगन, और उस वक्त आपके भी कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करते होंगे तब्दीली के नाम पर। सबसे पहले तो आप देखें कि ये गवर्नमेंट जो आई थी इसने आवाम से एक वादा किया था, और वो ये वादा था आपको याद होगा कि 100 दिन में हम ये करेंगे, यानी कि 100 दिन में मुल्क की तकदीर बदलने का वादा किया था। और 100 दिन का हमने भी इंतज़ार किया, आपने किया, वोटर्स ने भी और सपोर्टर्स ने भी किया कि अब 100 दिन में जो है हमारा मुल्क बिल्कुल पेरिस बन जाएगा या फिर एक तरक्की याफ्ता ममालिक जो सफ है उसमें खड़ा हो जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि एक भी तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं हो सका इस 2019 के साल में। एक दिन का इख्तिताम हो चुका होने वाला है इस साल का एक दिन बाद, तो आप देखें कि एक भी मनसूबा खुसूसी तौर पर जो सड़कें हैं इसके अलावा दीगर तरक्याती मनसूबे जो हैं जिसमें सीवरेज है, गैस है, पानी बिजली के मनसूबे हैं, एक भी मनसूबा नहीं हुआ सका। और जो मनसूबे शुरू किए गए उन पर सिर्फ तख्ती लगी, चूँकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और तारीख का हिस्सा है कि वो मनसूबे पुराने थे जिनको बंद कर दिया गया। और देखें गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, गवर्नमेंट की प्लानिंग ये है कि वो पहले जो मनसूबे थे पहले उनको स्टॉप किया गया, और उसके बाद डबल यानी दो गुना उस पर जब लागत पड़ी, चूँकि डॉलर जो है वो एक साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा, महंगाई हुई, और उसके बाद फिर उस पर दो गुना जो है वो महंगाई के साथ और उसकी लागत बढ़ने के साथ जो है उसको दोबारा शुरू किया गया और अपने नाम की तख्ती लगाई गई। इस्लामाबाद में अगर बात की जाए, मैं इस्लामाबाद से स्टार्ट लूँगा कि वो 100 दिनों में इस्लामाबाद के तरक्याती मनसूबों में सड़कें भी थी, इस्लामाबाद को फ्री कॉरिडोर, और इसके अलावा जो इस्लामाबाद का मास्टर प्लान था उसको टोटली तब्दील करने का प्लान भी था। अब सूरत हाल ये है कि आप इस्लामाबाद को बेहतर जानती हैं, रही हैं यहाँ पे, जीरो पॉइंट से रवात तक इस्लामाबाद को सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाना था, और तकरीबन 10 अरब और 70 करोड़ के करीब इसकी लागत जो थी वो आनी थी। सबका दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, बड़ी तेज़ी से 9 महीनों में ये प्रोजेक्ट जो है वो एयरपोर्ट इंटरचेंज तक पहुंचा और वहाँ तक इसकी तकमील हो गई। लेकिन आगे जो 5 किलोमीटर का एक पीस था वो अभी तक नहीं बन सका, और उस पर लागत जो है वो दो गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और अभी तक वो तातुल का शिकार है। आप कभी रश आवर में ज़ीरो पॉइंट से ज़रा जो है वो इस एक्सप्रेसवे तक ट्रैवल करें तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे कि इतना ट्रैफिक का रश है। 15 से 20 मिनट का जो फासला है आप 2 घंटे में तय करते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश होता है। और उस रश को ख़त्म करने के लिए इंटरचेंज बनाए जाने थे, ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाने थे, और उसको बिल्कुल फ्री कॉरिडोर था, और वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का जो डिस्टेंस है आपको 20 से 25 मिनट में आपने इस्लामाबाद पहुँचना था, लेकिन वो तातुल का शिकार है। दूसरा मनसूबा जो बहुत बड़ा था जो अभी तक जो है शुरू नहीं हो सका और बीच में ही उसको रोक दिया गया, वो था पेशावर मोड़ से न्यू एयरपोर्ट तक मेट्रो का ट्रैक, यानी मेट्रो का रूट वहां तक होना था, और चूंकि वहां पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, लेकिन वो मनसूबा भी खटाई का शिकार हो चुका है और वहां पर अभी तक कोई काम नहीं हो सका और उसकी लागत बढ़ती जा रही है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक तो मनसूबा जो है वो तातुल का शिकार, दूसरा उस पर लागत बढ़ रही है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे सैनिटेशन का सिस्टम देख लें कि यहाँ पे तमीर और मरम्मत होनी थी मुख्तलिफ सड़कों की, तकरीबन इस्लामाबाद में छोटी बड़ी 300 से ज़ायद सड़कें हैं, वो भी उसी तरह से हैं, उनका बुरा हशर है। सीवरेज है वो भी इतनी ज़्यादा है कि जगह जगह पे गटर उबले होते हैं। ये डिप्लोमेटिक कम्युनिटी का शहर है और जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से सफीर आते हैं वो देखते भी हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि इस शहर को भी साफ़ सुथरा नहीं रखा गया, हालांकि ये बुनियादी हक है इस शहर का भी और दीगर शहरों का भी। और मैं आपको एक वाकया भी बताऊँ कि कुछ दिन पहले ही, चूँकि क्रिसमस गुजरी थी और जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हजरात हैं उनको तकरीबन 5 से 6 माह से सैलरी ही नहीं मिली थी, तो उन्होंने एहतजाज किया लेकिन उसका कोई उनको रिजल्ट नहीं मिला, तो बिलाखिर उन्होंने फिर पूरे इस्लामाबाद की सड़कों पे जो है वो कूड़ा जो है वो फेंक दिया एहतजाजन, और पूरे इस्लामाबाद की सड़कें जो हैं कूड़े से भर गईं। फिर गवर्नमेंट को होश आया कि इनको तनख्वाहें भी देनी हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने उनको मरहलावार तनख्वाहें दी, कुछ का ऐलान किया, और फिर उन्होंने अपनी जो वो हड़ताल है और अपना एहतजाज है उसको ख़त्म किया। ये सूरत हाल है, और इस्लामाबाद में इस वक्त जो पानी है, पानी की शदीद किल्लत है, सर्दियों में भी जहाँ के पानी की कंजम्पशन बहुत कम होती है और जो ग्राउंड लेवल है पानी का वो बहुत नीचे जा चुका है,
जितने भी ट्यूबवेल्स हैं उसमें तकरीबन 50% से ज़्यादा ट्यूबवेल अभी भी ख़राब हैं। किसी का जो है वो मोटर ख़राब है, कोई ऑपरेटर नहीं है वहाँ पे, और किसी के बिजली के मसाइल हैं जो कि उनको कनेक्शन नहीं है, तो इस वजह से वो ख़राब पड़े हैं। और लोगों को पानी जो है वो, जैसे आसिफ ने भी बताया था कि ख़रीदना पड़ता है, तो इस्लामाबाद में भी लोगों को टैंकर्स के ज़रिए पानी ख़रीदना पड़ता है, और टैंकर्स जाते हैं और वहाँ पे चूँकि सप्लाई नहीं होती तो फिर मजबूरन जो है वो उनको पानी ख़रीदना पड़ता है। तो ये मैं सिर्फ इस्लामाबाद के मसाइल बता रहा हूँ, अगर ओवरऑल बताया जाए तो उसमें आप सिर्फ वो 100 दिन याद रखें कि 100 दिन में क्या क्या वादे किए गए थे, बड़ी लंबी। सगीर भाई प्लीज हमें वो 100 दिन याद ना कराएं, हमें वो 100 दिन याद ना कराएं, क्योंकि आप हमें वो 100 दिन याद कराएंगे तो हमारी जिंदगी मजीद और अजीरन हो जाएगी। हमने उन 100 दिनों को याद नहीं करना, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। सो आई गेस एंड में जमशेद भाई आप फाइनली हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, क्या होप्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं 2020 की पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान की बात की तो उसके लिए जाहिर है कि हम आम शहरी की तरह ये चाहते हैं कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें तब्दीली आए, और ख़ास तौर पे जो हमारा मुआशी हालात हैं, आम आदमी का जो घर है और आम आदमी की जो जेब है उसमें जो पिछले एक साल में कटौतियाँ हुई हैं मुख्तलिफ मद में महंगाई की शक्ल में, कम अज़ कम आप बढ़ा नहीं सकते तो आप कम अज़ कम वो तो ना लें, और कम अज़ कम लोगों को हौसला दें, उन्हें जीने का जवाब दें, वो अपने बच्चों को पाल सकें, उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से जो कुछ करना चाहते हैं ख्वाब हैं उन्हें मुकम्मल होने दें। मतवसत तबका, गरीब तबका और उससे जो बिल्कुल जो तबका है उसको, मतलब कुछ तो हुकूमत को उन्हें उनको नज़र रखना होगा। बाकी जनूबी पंजाब के हवाले से फिर मैं ज़रूर बात करूँगा क्योंकि मुल्तान को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमें उम्मीद ये है कि कम अज़ कम अगले 6 माह में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से कोई अमली कदम ज़रूर नज़र आएगा, ज़रूर नज़र आना चाहिए। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। सगीर भाई आपकी तरफ आते हैं, आपके क्या होप्स एंड ड्रीम्स हैं, ऑफकोर्स इस्लामाबाद तो अपनी जगह, बट पाकिस्तान के प्रस्पेक्टिव से क्या देखना चाहते हैं 2020 में आप? जी, जैसे नाम से जाहिर है कि 2020 में मेरी तो ये ख्वाहिश है और मेरी तरह हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि अब 2020 होना चाहिए, इसको टेस्ट नहीं होना चाहिए, और वो भी ड्रॉ की सूरत में, चूँकि टेस्ट जो है वो ड्रॉ भी हो जाता है अक्सर, तो 2020 हो, जितने भी तरक्याती मनसूबे हैं और लोगों की अब जो कुव्वत ख़रीद है वो कम हो गई है, इतने ज़्यादा महंगाई में पिस चुकी है ये लोग, पिस चुके हैं आवाम, और जो इस्लामाबाद है वो तो आपको पता है कि स्वैतपोशों का शहर है, यहाँ पर तकरीबन मुलाजमत पेशा लोग ज़्यादा हैं और उनकी एक बड़ी लिमिटेड रिसोर्स भी होते हैं इनकम के हवाले से, तो खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल करें, और बिजली की जो कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, 2020 जो है 2020 उसमें मेरी ये ख्वाहिश है कि महंगाई का ग्राफ जो है वो नीचे आए, आम आदमी जो है वो कम से कम अपनी सफेदपोशी बरकरार रख सके और उसकी जितनी भी इनकम है कम से कम उसके अंदर जो है वो गुजारा कर सके। अब एक अफसोसनाक सूरत हाल और एक खबर ये भी है, आपने भी सुनी है होगी कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम था जो कि रिप्रेजेंट करता था एक बहुत ही लो लेवल के तबके को, एक वजीफ़ा दिया गया था, अब गवर्नमेंट ने उसके 8.5 लाख लोगों को उसमें से निकाल दिया, और ये जवाब पेश किया गया कि इसमें जो लोग थे वो फेक थे, यानी 8.5 लाख लोग कभी भी फेक नहीं हो सकते, उसमें कुछ लोग ज़रूर हो सकते हैं कि जो मुस्तक नहीं है और उससे फ़ायदा उठा रहे थे, उसकी सिक्योरिटी इतनी गलत तरीके से की गई, तो प्लीज़ जो वो प्रोग्राम है उसको भी कंटिन्यू करें और मुस्तहकीन जो हैं उसको शामिल करें, चूँकि लोगों की कुव्वत इस्तेदाद इस काबिल नहीं है और रिसोर्स जो हैं वो बहुत कम हैं। मेरी ये भी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में जो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो आनी चाहिए, उससे जो है वो बहुत ज़्यादा आपको वसाइल और नौकरियों के ज़राए मिलते हैं, और उससे जो एक आम आदमी है उसको भी बहुत ज़्यादा मौका मिलता है कि वो अर्न कर सके, तो इसलिए जो प्राइवेट लोग हैं वो भी इस तरफ तवज्जो दें, चूँकि अब सूरत हाल ये है कि 2019 में जो दुकानदार था अब वो रेड़ी पे आ गया है, ये खबर भी है आपने देखी भी है कि अब दुकानदार रेड़ियां लगाने लगे हैं, यानी कि उनका सूरत हाल जो है इस कदर बढ़ गया है, तो खुदारा अब इसको मजीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है कि इसको इम्प्रूव किया जाए जिससे तमाम इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करे और जो हमारे मौशी हालात हैं वो बेहतर हों और हमारा मुल्क जो है वो भी एक तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में जल्द खड़ा हो, ये मेरी होप है
2020 जो है अल्लाह करे हमारे लिए नई उम्मीदें लेके आए और एक तरक्की की राह पे हम चलें और हम हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के हालात जो है वो मजीद बेहतर हों, ये हमारी ख्वाहिश है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। एंड जमशेद भाई, आप मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। जी मैं कह रहा था कि 2020 की बात की सगीर साहब ने भी और आपने भी, लेकिन एक बात जहन रख रहे हैं, हमारी कौमी टीम के कप्तान 92 के वर्ल्ड चैंपियन और इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम टेस्ट और वनडे टीम के तो कप्तान थे, लेकिन उस वक्त तक T20 जो था वो मुतारिफ नहीं हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब अल्लाह अल्लाह ही मालिक है हमारा, और बस रब ताला से दुआ कर सकते हैं कि हालात कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएं। वैसे आपने मेरे ख्याल से एक छक्का मार ही दिया यहाँ पे जाते जाते। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। अच्छा व्यूअर्स, एक और फाइनल न्यूज़, मैंने कहा थोड़ा लाइटर नोट पे, अली ज़फ़र की एक वायरल वीडियो है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। अली ज़फ़र दरियाए रूम के किनारे गाना गुनगुना के सब का दिल हो लिया। अली ज़फ़र के गाए हुए गाने को सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होते हुए हमने देखा, आइए देखते हैं। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में, ये बाहों में बाहें ये महकी फिजाएं, लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल। वाह जी वाह, वेरी वेरी नाइस। अच्छा चले, अब वेरी वेरी नाइस की बात हो रही है तो एक वेरी वेरी एफपी हमारे साथ होती हैं जिनका नाम है शेफ सायरा बासित, किचन की तरफ चलते हैं। मैं तो लिटरली वो दरियाए रूम के पास अली ज़फ़र थे, मैंने कहा मैं आउटफिट दरियाए रूम वाला पहन लेती हूँ क्योंकि बड़ी सर्दी है। सायरा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 2020 के लिए आपकी क्या विशेज हैं यार? मेरे लिए ये विशेज़ हैं कि अल्लाह करे कि बिजली गैस सब कुछ अच्छी प्राइसेस पे चली जाए और आलू प्याज टमाटर की कीमतें बहुत अच्छी हो जाए। शेफ ने और... शेफ वाली बात करी थी, आलू टमाटर की कीमत पे आ जाए। नहीं, इसके अलावा ऑन सीरियस नोट ये है कि अल्लाह करे पाकिस्तान खूब तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, और अल्लाह ताला हमारे चैनल 24 को भी सदा सलामत रखे। आमीन। 2020 के लिए, 2020 के लिए ये बेशक है, अल्लाह करे कि सबसे टॉप पे चैनल जाए 2020 पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज हम बना क्या रहे, कुछ 36,000 किस्म की कंफ्यूज चीजें मुझे नजर आ रही हैं, डबल रोटी भी नजर आ रही है, चने भी नजर आ रहे ने, बिरयानी बन रही है और चॉकलेट ब्रेड पुडिंग बन रही है। ठीक है, चने कहाँ से आ गए बीच में? ये चने जो है ना वो मैं वैसे सर्व करूंगी खाने के लिए, मेरा दिल तो मेरा दिल कर रहा था कि बिरयानी के साथ थोड़ी सी सैलेड भी। चलिए जल्दी से कश्मीर के किचन की हमें रेसिपीज बता दें। जी, बिरयानी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑयल तकरीबन 1 कप, उसमें हम 3 से 4 प्याज डालेंगे और उनको हल्का ब्राउन करके 1-1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का डालेंगे और उनको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे और फिर हरी मिर्चों के साथ चिकन को फ्राई करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया तो फिर जब चिकन अच्छा सा फ्राई हो गया तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे, दही ऐड करेंगे और साथ में इसमें बिरयानी मसाला, आपका दिल आप घर का बना लें या बाजार का ले लें, घर का वैसे हेल्दी होता है ज़्यादा। ठीक है जी, वो डाल लेंगे और साथ में नमक मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा, ये सब चीज़ें डाल के हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे गलने के लिए। ये गल जाएगा तो इधर मैंने चावल जो हैं वो बना के रखे हुए हैं, मैं तकरीबन बिरयानी के चावल पुलाव स्टाइल से बनाती हूँ, थोड़ा सा मसाला बना के तो उसमें चावल डाल के और उसमें जैसे कि 4 ग्लास चावल हैं तो 6 ग्लास पानी के डालती हूँ और उसको उस स्टाइल से मतलब उबालती नहीं हूँ चावल। ठीक है ठीक है, तो आपने उबालने तो आप गर्म मसालों का चावल भी उबाल लें। ठीक है, फिर आप इसके लेयर्स लगाएंगे, लेयर्स में हम हरी मिर्चें और अदरक डालेंगे और साथ में थोड़ा सा जो मैंने चटनी बना के रखी हुई धनिया पुदीने की वो मैं थोड़ी थोड़ी लेयर्स में दे दूँगी। ठीक है जी, ये चॉकलेट ब्रेड पुडिंग है, इसमें मैंने इसकी रेसिपी की तरफ हम बाद में जाएंगे लेटर ऑन इन द प्रोग्राम, अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, अब हम बातचीत करेंगे कि भाई 2018 में बड़ी कमिटमेंट्स की गई कि भाई 2019 विल बी अ फैबुलस ईयर,
अभी तक तो हम शिकायतें ही कर रहे हैं, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि जो कमिटमेंट्स की गई थी वो कहाँ तक पहुँची हैं, एंड देन ऑफ़ कोर्स बहुत सी चीज़ें जो पीटीआई की वो कंप्लेन कर रही है कि पीएमएलएन नहीं की, जिसने नहीं की, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज क्रिएट है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए ऑफ़ कोर्स हमारे बहुत ही बेहतरीन एंकर पर्सन भी हमारे साथ हैं, माना सरकार के एंकर पर्सन। चैनल 24 पे ट्यूसडे 7 PM इनका प्रोग्राम लगता है, फिर सिटी 42 पे फ्राइडे सैटरडे संडे को 8 PM पे। जोएब बट हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हैं तो दो पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है आपस में बड़ा अच्छा सलाम दुआ का रिलेशन है, तो लड़ाई नहीं होगी आज प्रोग्राम पे। अब ये मेरे लिए इमोशनली तो अच्छी चीज़ है, बट आई डोंट नो रेटिंग के लिए ये कितनी अच्छी चीज़ होगी, लेकिन हमारा तो पॉइंट ये होता है कि मोहब्बत प्यार में जो है मामलात हल हो जाएं और हमें पता भी चल जाए, उन सवालों के हमें जवाब मिल जाएं जो हम लेना चाहते हैं। देन ऑफ कोर्स वी हैव विद अस राहिला खादिम हुसैन, शी इज रिप्रेजेंटिंग PMLN, शी इज एन MPA, तीसरी दफा इलेक्ट हुई है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम मैम। थैंक यू। आपके साथ हमें ज्वाइन किया है, नॉट साथ बट आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, जमशेद चीमा साहब ने, सीनियर रहनुमा PTI। अस्सलाम वालेकुम सर। आई नो दैट आपकी कुछ पर्सनल मसरूफियात थी आज, लेकिन आपने स्पेशली टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो सर आई थिंक अंडर फायर हमें आपको लेके आना चाहिए, फिर हम इधर भी काउंटर करेंगे बातें, एंड ऑफ कोर्स अगर आपने आपस में भी एक दूसरे से सवाल करने हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। सर, इमरान खान ने वादा किया था कि 1 करोड़ जॉब्स दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, क्या बना सर? मैं समझता हूँ कि ये शायद पहली गवर्नमेंट है कि जिसने जो इलेक्शन मंशूर में या इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बातें की उनको करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सियासी बयान था, इसका मतलब ये नहीं कि वो इलेक्शन की बात थी, वो फॉर अ टाइम बीइंग था, उसको करने की कोशिश बरल हो रही है। बाकी स्पीड स्लो है, मतलब हमारे अच्छा, आप मान रहे हैं ना कि स्पीड स्लो है, क्योंकि मतलब अवाम, मैं यहाँ सच बोलने आया, मैं यहाँ आपको ये तो नहीं है कि मैं यहाँ झूठ बोलने आया, तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब हम ऑन कर रहे हैं चीज़ों को और उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीड स्पेशली आप कह लें कि यहाँ पे जो स्टेट लैंड है, स्टेट लैंड आप ऑलमोस्ट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सारी की सारी कब्जा ग्रुपों के पास थी, वो वागे तौर पर आ रहे हैं डेफिनेटली। तो आप हाउसेज जो हैं ऑलमोस्ट ज़मीन परचेज़ करके शहर के करीब हाउसेज बनाना मुश्किल है, आपने स्टेट लैंड पर बनाने हैं, तो उस पर काम हो रहा है, आइडेंटिफाई हो गई लोकेशन, काम शुरू हो गया। दूसरी बात इसमें आप कह लें कि जॉब्स के हवाले से, जॉब्स में सर 1 करोड़ जॉब्स की कमिटमेंट बहुत बड़ी थी, अब मसला ये है कि मतलब इसमें सिंपल सी बात, यहाँ पे ना हमारे यहाँ 22 करोड़ ऑलमोस्ट लोग हैं, 22 करोड़ लोग 2.2% के हिसाब से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि 40-45 लाख लोग सालाना बढ़ते हैं। अब 40-45 आप कह लें कि ऑलमोस्ट 18 साल पुरानी बात कर लें, पीटीआई के अंदर भी आई है। अच्छा, 18 साल पुरानी बात कर लें तो 2 to 2.5 million, 25 लाख लोग तो वैसे ही जवान हो रहे हैं, जॉब मार्केट में आ रहे हैं। अब क्या कोई गवर्नमेंट कह सकती है कि जो बंदा जॉब मार्केट में आ रहा है हम उसको जॉब नहीं देंगे? 2 मिलियन सालाना जॉब देना तो वैसे ही जिम्मेदारी है इस मुल्क की। अगर ये मुल्क 2 मिलियन लोगों को सालाना जॉब नहीं देता तो इसका मतलब है कि बेरोजगारों में इजाफा हो रहा है। लिहाजा आप कह लें कि ये कोई एम्बिशियस टारगेट नहीं था, ये बड़ा रियलिस्टिक टारगेट है, ये बड़ा रियलिस्टिक टारगेट है, लेकिन इसका जो बहुत सारा आप कह लें कि जो कनेक्शन है वो ये है कि आपका GDP ग्रोथ कितना है। GDP आप कह लें कि ऑलमोस्ट कुछ 6-7% बढ़ेगा तो फिर ये टारगेट अचीव होता है। अभी तक ये ऑलमोस्ट को 3.5 के लगभग है, 3.3-3.5 नीचे हुए सिंस नीचे हुए प्रीवियस ईयर से, वो होता है, वो जब भी इलेक्शन ईयर गुजरता है, जब भी इलेक्शन ईयर गुजरता है तो इलेक्शन ईयर में आप कह लें कि आपका PSDP बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, जब PSDP इतना ज़्यादा कर्जे लेके भी या बाकी पकड़ तकड़ जो भी करके ओवर बजट करके या आप कह लें कि करते हैं आप, तो उस वक्त जो इलेक्शन ईयर हमेशा आप पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो इलेक्शन ईयर में आपका GDP ज़्यादा होता है, उसकी वजह गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा होती है। और नई गवर्नमेंट जो आके रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश करती है तो वो मुस्लिम लीग नून की देखें, उससे पहले पीपल पार्टी की देखें, उससे पहले देखें, ये सारी गवर्नमेंटों को आपको एक ट्रेंड नज़र आएगा कि पहले सालों में ग्रोथ कम होती है और आखिरी साल ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसकी वजह भी यही वाली बात ये भी कहा करते थे। अच्छा, आपने
उसमें दो तबके, उसमें दो तबके जो आपके लिए महरूम है, कह लें कि नौजवान जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास एजुकेशन है लेकिन नौकरी नहीं है, ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम उसमें मतलब हमने किया। फिर दूसरा महरूम तबका आप कह लें कि यहाँ पे जो लोग मतलब $2 पर डे से कम इनकम वाले, उनका आप कह लें कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 100 अरब रुपया सालाना था उसको 200 अरब सीधा सीधा कर दिया। तीसरा पाकिस्तान में जो 44% जॉब मार्केट है, 44% जो जॉब रिलेटेड लोग हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में पहली बार इतना बड़ा 309 बिलियन रुपीज़ का आप कह लें कि एक आया यू कैन से सपोर्ट प्रोग्राम आया कि और एग्रीकल्चर में पूरी दुनिया में एक है कि किसी भी जगह पावर्टी एलिवेशन के लिए जो $1 आप एग्रीकल्चर पर खर्च करते हैं वो 4 गुना उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है दैन एनी अदर सेक्टर। सो आप कह लें कि महरूम तबका जो है या हैव नॉट्स थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे या लेबर मार्केट थी या आप कह लें गरीब नौजवान था, वो एक कह लें कि टारगेट करके वहाँ सपोर्ट किया जा रहा है। ओके, नाउ व्हाट डू यू वांट टू से? आई जस्ट वांट टू से कि आपसे मुस्कुराई जा रहे हैं, मुस्कुराई इतनी जोर को इसको इससे इसको बातें आई नहीं थी। मैंने कहा हौसला हौसला, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक म्यूजिकल चेयर है पॉलिटिक्स ना। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और जैसा मैंने इन सबको देखा, मैं मतलब अपने जब से इस फील्ड में होश संभाला मैंने ये देखा कि जब ये थे तो ये इन पे नश्तर बरसाते थे। जब PMLN पावर में थी तो PTI एजेंसी नश्तर बरसाती थी, अब वही सेम नश्तर ये बरसाते हैं उनके ऊपर और दोनों के पास जवाब भी सेम है। मॉर्निंग शो है तो मैं भी कोशिश करूंगी आज हम बहन भाई कैजुअल टॉक शो, और देखिए मॉर्निंग शो की जगह हम इसको मॉर्निंग शो बनाएंगे। तो मैं इतनी यह गुजारिश करूंगी कि अगर आप ये देखें कि हम नहीं कहते कि आपके सर्वेज आपको बता रहे हैं कि जब से ये माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं 6 करोड़ से ज़्यादा के लोग जो हैं वो सतह गुरबत से नीचे जा गए हैं जी। आपसे इकॉनमी नहीं संभाली जा रही, स्टिल आप ICU के अंदर हैं, आपकी इकॉनमी का सर्वे के मुताबिक आप उसकी जो आउटलुक अगर आप देखें आप इकॉनमी की तो आप मनफी से मुस्तहकम हुए हैं, नॉट बेहतर, बेहतरी की तरफ आप नहीं गए। आप जो है अब कुछ सस्टेन करने का आपके पास कोई प्लान मौजूद नहीं, डॉलर का प्राइस आप नहीं रोक सके, महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, महंगाई का कोई ताल्लुक नहीं है डॉलर के प्राइस के बढ़ने के साथ, वो सारी की सारी आपकी लोकल इंतजामिया और मैनेजमेंट के साथ था। आप नहीं संभाल सके, यहाँ उगाने ना मुझे आपके पास इतनी हंसी आती है, मैं जब जाती हूँ सब्जी की दुकान पे और कहती हूँ सब्जी कहते बाजी डॉलर की प्राइस देखो, मैं तुम अमरीका तो लेके आ रहे हो टमाटर प्राइस, मैं यही कहना चाह रही हूँ ना कि देखिए वो सारा आपकी लोकल आपकी इंतजामिया के ऊपर थी और आपका जनाब आपकी मैनेजमेंट के ऊपर था, आप उसे कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, आप फेल हो गए। आप चाहे एजुकेशन के अंदर तो आपने टेक्निकल एजुकेशन ख़त्म कर दी तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर, आप बेरोजगारों को पैदा कर रहे हैं तो फिर आप नौकरियां कहाँ से देंगे? आपने तो कहा था नौकरियां देंगे, आप तो 1 करोड़ नौकरी आपके तो 10 लाख लोगों को बेरोजगार दिया। मजीद अगर आप ये देखें पिछले दिनों फेडरल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, एक लेटर इशू हुआ कि जिसके अंदर कहा जा रहा है कि जबरी रिटायरमेंट यानी कि आपको हम किसी वक्त भी किसी भी सरकारी मुलाजम को बगैर कोई वजह बताए उसको हम फारिग कर देंगे नौकरी से। एक इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, जो लोग पहले बेरोजगार हैं उनको आप रोज़गार नहीं दे पा रहे। दूसरे आपके जो ये इनिशिएटिव्स हैं ये मुल्क को बड़ी खतरनाक हद तक बेरोजगारी की तरफ ले जाएंगे। आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपसे पहले कंट्रोल नहीं होती, स्ट्रीट क्राइम लाहौर जैसे शहर के अंदर बढ़ गया, डेवलपमेंट 0 के बराबर है, पनाहगाहें बना दी हमने, वहां सेटल हो जाएंगे लोग, खत्म नहीं, रोटी भी मिलेगी और सर छुपाने को जगह, कितने लोगों को खिला सकेंगे? 22 करोड़ कम्युनिटी आपकी रो रही है, पॉजिटिव छोटी सी बिजनेस कम्युनिटी तो ऐसी एक्चुअली चीजें मार रही है और उधर उसकी वजह से भी बेरोजगारी हो रही है। छोटी सी एक बात है, कल चल नहीं रहा बिजनेस, चीमा साहब की बात सुनिए जरा, बड़ी है, हम बात में नहीं है जी। चीमा साहब बहरहाल मेरी बहन पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है उनकी तरह, मैं तो स्टूडेंट हूं, वो स्टूडेंट है, इन्होंने मैंने पढ़ी हुई है और मैं बिल्कुल नालायक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप टीचर हैं हमारे। दो लफ्ज बोल रहे हैं कि 6 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं,
जब आपकी आपकी आबादी का ग्रोथ 2.2% है और आपकी जीडीपी ग्रोथ 3.3% है, तो कैसे हो सकता है कि लोग गुर्बत गिर गिर से नीचे नहीं नहीं ये पॉइंट मैं पढ़ी लिखी बात करूँ, मैंने भी पढ़ी लिखी, मैं कह रहा हूँ कैसे आप ज्यादा पढ़ी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो 6 करोड़ की फिगर आपने बोली बिल्कुल ही गलत बोली, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना बोले। यहाँ पे 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे लाने का टारगेट है, नीचे गुर्बत से निकालना टारगेट है, 2 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालने का टारगेट है डेफिनेटली, और ये अच्छा टारगेट है। और पहले जो है ये बात करें कि 6 करोड़ लोग, बिल्कुल फिगर गलत है। दूसरी बात जो है कि बेरोजगारी, इसमें इशू जो इन्होंने बात की ना अपना सरकारी मुलाजम की, देखें मुशरफ के दौर में अनफॉर्चुनेटली मुझे एक डिक्टेटर का नाम लेना पड़ रहा है, सारी फर्क नहीं आप अच्छा, पसंद भी आज अच्छा नहीं मुझे मुझे कभी भी नहीं रहा अच्छा पार्टी को अच्छा, इसमें उसके दौर में प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ज़्यादा थी, गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी कम थी, ठीक है। उसके बाद 10 सालों में आज अगर देखते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर की सैलरी सेम एजुकेशन के लोगों की ज़्यादा है, अब गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों की सैलरी भी ज़्यादा ले रहे हैं और आप कह लें जब दिल करे हड़ताल कर दो काम ना करो, ये आप कह लें कि ये इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए इनको कि अगर कोई बंदा आप कह लें कि कोई काम नहीं करता तो गवर्नमेंट के पास राइट हो कि उसको आप कह लें वो रिटायर कर सके। ये जो 60 साल तक वो एक बार एंटर हो गए जॉब मार्केट में और उसके बाद कोई भी काम नहीं, बहुत अच्छा समझाया उन्होंने, अच्छा यही मकसद था, कमाल हो गया चीज। सो बेसिकली आप कह रहे हैं ये जो बात कर रहे हैं कि रिटायर करना या उसको जॉब से निकालना, ये जरूरी है कि यहाँ पे हर बंदा परफॉर्म करे और गवर्नमेंट सेक्टर वाला बंदा जो ज्यादा तनख्वाह ले रहा है और उसकी जॉब ज्यादा सिक्योर है उसे तो परफॉर्म करना ज्यादा जरूरी है। चीमा साहब अपने दिल पे हाथ रख के खुद भी कहेंगे कि खराबी बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, चीमा साहब अपने हल्के में जब फिरते हैं ना तो उनको लोग भी यही कहते हैं, वो सेम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, पर ये अच्छी बात है कि वो अपनी पार्टी को यहाँ डिफेंड कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन, इज अ गुड पॉलिटिकल वर्कर, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत शदीद हैं। और उनको बात कुछ ऐसी बातें भी कही गई थी सर, आई वॉन्ट टू कम बैक एंड टॉक अबाउट दैट, जैसे कि ये कहा गया था कि अमीर और गरीब का एजुकेशन का लेवल एक ही हो जाएगा। अब ये बहुत टॉल क्लेम है और एक्चुअली मैं एग्री करती हूँ उसके साथ कि हर बंदे को एक ही लेवल ऑफ एजुकेशन और एक ही लेवल ऑफ ऑफ हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी बनेगी, पीएम हाउस यूनिवर्सिटी बनेगी, नहीं अब तो हमने भी रिसेंटली धूप में बैठ के गवर्नर हाउस के अंदर चाय पी है, पीएम हाउस तो यूनिवर्सिटी बना, गवर्नर हाउस वाली जो बात है ये मैं समझता हूँ चीमा साहब क्यों यार ऐसे क्यों किया, लड़ाका बच्चा जो आज सेट में बैठा ना, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा लड़ाका बच्चा 2 मिनट बात करने देगा। और हमने जो इम्पोर्टेंट एक चीज है, देखिए तालीम और हेल्थ केयर ये 2 बहुत मेजर इश्यूज हैं। आपने देखा कि ये जो MITs वाला पूरा MTIs वाला पूरा तमाशा हुआ, आई एम सॉरी इट वाज अ तमाशा बिकॉज हम सबका कोई ना कोई जानने वाला अस्पताल जाना चाह रहा था, उसका इलाज कम और नारे वो ज्यादा सुन रहा था। एंड आई एम सॉरी धरने का सबसे हार्डकोर ट्रेंड तो PTI ने ही शुरू किया था, you know there was always a dharna ehtijaj mera haq mujhe do, ab the point is ab baki sare ehtijaj kare kyunki PTI nahi pura utara, so the point is ye sab masail hain inevitably, main sirf ye janna chahti hu ki solutions kya hain aap dono ke end se, kyunki humne thoda sa relief dena hai awam ko taaki 2020 mein wo sa lete hue jaye sa rokte hue nahi, break ke baad सब मिलेगा। व्यूअर्स बहुत ही अच्छी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है हमारे तीनों जो गेस्ट हैं उनको चाय मिल गई है, इससे ज्यादा मेरे पास और कोई अच्छी खबर नहीं है। बल्कि ये बात लोगों को सुननी चाहिए। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा आपकी इजाजत दो, चीमा साहब अगर मुझे मेरी कम अकल जो है उसको बढ़ाने के लिए मुझे सिर्फ इतना बता दें, 3 ऐसे इनिशिएटिव जो इमरान गवर्नमेंट ने लिए जो इनके अपने जाती थे, किसी और का नहीं था आइडिया चुराया हुआ, वो जो इनके 3 इनिशिएटिव है वो सिर्फ लोगों को बता दें वो क्या थे और अब तक वो बड़े कामयाबी से चल रहे हैं। अच्छा सबसे पहला और सबसे बड़ा इनिशिएटिव मैं बता दूं जो कभी तारीख में पाकिस्तान में नहीं हुआ, जितने पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे हमने सारों को कंप्लीट करने की कोशिश की,
प्लीज ऐसे ना करें चीमा साहब, ऑरेंज ट्रेन वही पड़ी कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं कंप्लीट कर रहे हैं भाई, कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना भाई, कंप्लीट कर रहे हैं। यहां चीनी बेचारे रोज ऊपर चक्कर मारते रहते हैं, कोई बंदा आपकी तरफ से नहीं नॉर्मल टॉक शो का ना बनाना, नॉर्मल टॉक शो ऐसे बनाए, लेकिन देखें हां ये आपका टॉक शो सच्ची नहीं मॉर्निंग शो है, सॉरी मॉर्निंग शो इसको रहने दें। और दूसरी इसमें सच्ची बात है, ये अप्रिशिएट करना चाहिए आप तीनों को, आवाम को भी करना चाहिए कि जितने पुराने प्रोजेक्ट वो सारे के सारे हम आप कह लें कि कंप्लीट कर रहे हैं, बजट हमारा जा रहा है, शाबाश उनको मिल रही है, लेकिन हम कर रहे हैं कि स्टेट के पैसे लगे हुए हैं, आवाम के पैसे लगे हुए हैं, ये बड़ा बड़े दिल गुर्दे का काम होता है, हम कर रहे हैं। अगली बात आ गई, वो क्या प्रोजेक्ट थे जिनको आप कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखें जितने भी प्रोजेक्ट है कि क्या जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो मतलब आप कहने को उसमें कोई तकसीस ही नहीं है ना, उसमें कोई तकसीस नहीं है कि फलाना करना है फलानी करना है, जो भी करने मतलब 60% हुआ है, 40% हुआ है, 25% हुआ है, 80% हुआ है, आपका अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, BRT पूरी नहीं हुई, दूसरी बात अपनी ऑरेंज ट्रेन पूरी नहीं हुई, दूसरी बात आपका जो से यहाँ प्रोजेक्ट लाहौर शहर के लगे हुए थे वो पूरे नहीं हुए, सीवरेज के प्रॉब्लम थे, वहीं के वहीं रुके हुए, रुक गया, एक काम पूरा हुआ आपने, माशाल्लाह ऐसी बातें ना करें, आपने ऑपोजिशन में बहुत मजा आता है, नहीं एक काम में बहुत मजा आया कि वो जो मजार बना ना फतेह गुलजार साहब का वो मुकम्मल हो गया, आपने साहब का पूरा किया, आपने तीन इनिशिएटिव पूछे। अच्छा ये अच्छा दूसरे की तरफ आते हैं, अच्छा इनिशिएटिव अब शुरू हो रहा है, पहली बात वो हो गई, अच्छा पहले ये रूटीन से हटकर, अच्छा पहला इनिशिएटिव, तीन इनिशिएटिव की बात कर लें तो तीन इनिशिएटिव में हमारा बेसिक जो इनिशिएटिव है वो ये है कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको दूसरों के बराबर लाना, जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले जितना भी आप पहले शुरू करें मियांवाली से, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, रहीमयार खान, बाबल नगर, बाबलपुर, आप कह लें ये अगला आ गया मुल्तान, इस एरिया में आप देखें आठ यूनिवर्सिटियां बनी है, आठ यूनिवर्सिटियां कब देख लें, आठ यूनिवर्सिटी वो आज ही ट्वीट किया है बुज़दार साहब ने, नहीं नहीं आठ यूनिवर्सिटी काम है भाई, नौ हस्ता बने एक साल में बना लिया आपने, नौ कचरा उठा रहे हैं, मुझे कहते हैं साल का कचरा, 14 साल का हमने उठाया नहीं जा रहा कचरा, नहीं ये जो इन्होंने डाला, एजुकेशन से सीधे कचरे पे जाते हो, कौन सी बेस आप, मैं कह रहा हूं ये जो आप कहते हैं कि 40 साल का कचरा, अच्छी बात हो रही है, कचरा का कचरा, अच्छा मुझे नाम बता लें, अब मुझे यूनिवर्सिटी के नाम बता लें, हॉस्पिटल नाम बताएंगे, नाम बताएंगे, अब मुझे यूनिवर्सिटी के नाम बता लें, अच्छा चलिए एक साल में बनाई है, को सारी यूनिवर्सिटी मरी ठीक है, चकवाल यूनिवर्सिटी बन रही है, रावलपिंडी यूनिवर्सिटी बन रही है, हर यूनिवर्सिटी जो है आपका ले बन रही है, क्या नाम है, इमरान साहब का आज कोई ट्वीट बंद तो नहीं गई, तो मेरी बहन यूनिवर्सिटी कभी एक साल में बनी है, एक मिनट वो गुजरात यूनिवर्सिटी भी आपने कभी बनी हो, वो जिसका इमरान साहब का भी यूनिवर्सिटी बनी हो, नहीं 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 गुजरात में बनी ना, सियालकोट में बनी, सॉरी पांच जो जिसके ऊपर जनाब शबाशी साहब ने इफ्तिताह किया था, पांच चिल्ड्रन अस्पताल बने, टोटल नौ अस्पताल बने, पांच चिल्ड्रन अस्पताल बने, मुजफ्फरगढ़ में बना, डीजी में बना, बाबल नगर में बना, जी ओह क्या बात कर मेरे, वो मतलब चीमा साहब सुबह सुबह छुट कर आए हैं, शब बेगम साहब ने चाय चाय, मैं रात को भी नहीं पीता, मैं रात को भी नहीं पीता, हां मैं रात को भी नहीं पीता, ये सुबह सुबह भी नींद करें, ठीक है मेरी तबीयत भी ठीक है, मेरी सेहत ठीक है, आप नाश्ता वास्ता दे के भेजा करें, चीमा होते ना नॉर्मल नहीं है चीमा साहब, क्या अच्छा सीएम पंजाब जमशेद चीमा होती तो ज्यादा अच्छा काम हो रहा होता, चलो जमशेद चीमा इलेक्शन नहीं जीते, लिहाजा नहीं बन सकते थे, ये हराया गया, ये आवाम का फैसला है, मान लो ये आवाम का फैसला है, आवाम के फैसले को मानना चाहिए, मतलब आवाम के फैसले तो कुछ और आए थे, सो यानी कि ये जीत गए थे, आवाम का फैसला तो कुछ और आए थे, तो आप कह लें कि जो आप जो पहला जवाब कोई नहीं मिलना आपस में, ये मैं कह रहा हूँ पहला, ये तीनों बच्चे लड़ते रहेंगे, और पहला इनिशिएटिव ये है कि एग्रीकल्चर, आप कह लें आपने बात की एजुकेशन की और हेल्थ की, एजुकेशन और हेल्थ में जो इलाके पीछे रह गए थे उनको बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा काम हो रहा है, नौ अस्पताल और आठ यूनिवर्सिटियां, ये इन प्रोसेस है, बुज़दार साहब का ट्वीट है, बता भी देना, टूरिज्म पे काफी ज्यादा काम हो रहा है, टूरिज्म पे काफी ज्यादा काम हो रहा है, बड़ा बजट लग रहा है इस पे डेवलपमेंट, इसके तकरीबन पांच नई डेस्टिनेशन डेवलप की हैं, अच्छा ओवरऑल बड़ी जो डेस्टिनेशन है, लेकिन ओवरऑल 13-14 डेस्टिनेशन है जिन पे काम हो रहा है, और टूरिज्म बड़ी तेजी से बढ़ा है, फिर आप कह लें कि जिन इलाकों में टूरिज्म है, दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाके, उन इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आप कह लें कि ये जो ये वही इलाके हैं ना, खासकर छुट्टियों पे जाते होते हैं, स्वात मोटरवे की बात कर लें, आगे बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ इंप्रूव हुआ है, फिर अगली बात जो है कि यहाँ पे बहुत बड़ा इनिशिएटिव, डेढ़ सौ अरब रुपए की जमीन कब्जा ग्रुपों से बागजार सिर्फ पंजाब में करवाई, इंतजामिया ने पंजाब करवाई है जी, क्यों नहीं करवाई, अच्छा
सो आप कह रहे हैं कि जो हैव थे, जो जो लूटमार यहाँ पे कर रहे थे, कब्जा ग्रुप थे, उनको आप कह रहे हैं नथ डाली हमने यहाँ पे, और कानून की जो अमलदारी है वो बेहतर हुई है। और तीसरी जो बात मैंने बात की कि एग्रीकल्चर, जहाँ एक डॉलर लगाने से चार गुना गुरबत कम होती है किसी भी इलाके से, पहली बार इतना बड़ा पैकेज आया है। एक तारीखी बात है कि मियाँ साहब ने पैकेज दिया था एग्रीकल्चर में, मियाँ साहब ने पैकेज दिया कि मैंने 230 अरब रुपये का पैकेज दिया है। और IMF ने पूछा कि जनाब आपने इतना बड़ा पैकेज क्यों दिया है, तो इसहाक डार साहब का रिकॉर्ड एक लेटर मौजूद है, उन्होंने कहा जी हमने एक्चुअली सिर्फ 28 अरब दिया है, वो हमारा सियासी नारा है, इस तरह का हम कोई काम नहीं करते, 309 अरब का पैकेज दिया है, रात को दिया है। ठीक है, अच्छा, ये मैं पूछने आई थी कि आपने सियासी नारा जो लगाया है, तो जी साहब डार साहब का लेटर है, ऑन रिकॉर्ड है, ये दोनों सियासी नारे लगाते हैं आप, सियासी नारों की तो बात ना करें, ऑन रिकॉर्ड एक लेटर है, आप मंगवाए तो अगली बार पूछे, मैं आपको प्रोड्यूस कर दूंगा, मैं अगली बार आपको लेटर प्रोड्यूस कर दूंगा, इसमें कोई मसला है, जरूर लेकर आए, तो क्यों नहीं लेके आऊंगा, बिल्कुल। फिर आपकी आपका जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट कम हुआ जो जरदारी साहब की नलायक गवर्नमेंट, ये बड़े जोर से देकर रगड़ गया था नलायक, उस वक्त आपका टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट 2 अरब था, इनकी गवर्नमेंट में 20 अरब डॉलर चला गया, अब दोबारा पहले वाले लेवल पे आपका इंपोर्ट कम हुई है, एक्सपोर्ट बढ़ी है, आपकी 5 साल में 10,000 अरब इनसे सब इतना ही पूछ ले, इन्होंने इस 14-15 महीने में आपने कितना कर्जा लिया? हमने जी हाँ जी जितना बड़ा ही अच्छा सवाल, बड़ा ही अच्छा सवाल, बड़ा ही अच्छा सवाल है। 88% ऑफ द जीडीपी था, 88% ऑफ द जीडीपी था जो 84.3 पे आ गया। फिर इशारियों में चले जाते हैं आप, वहां जाके ना हमें नहीं 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 आप तो बेवकूफ बना रहे हैं, अब उसको बताने के लिए कुछ और चाहिए ना, मेरा भी कोई इशारिया डाल दो। आप कह लें जीडीपी पिछले 4% कम हुआ है, नेशनल असेंबली के कंट्रोल में है, नेशनल असेंबली के कंट्रोल में है ना, अभी रिसेंटली दो सेशन पंजाब असेंबली दुआएं दे राजा बिशारा साहब को जिन्होंने कंट्रोल की हुई है, नहीं नहीं ऐसा है तो दो सेशन पहले इन्होंने इनके क्वेश्चन किया गया कि जनाब PMLN ने कितना कर्जा लिया, इन्हीं के मेंबर ने किया, तो सब कुछ आपने खुल के सामने बता दिया, 10,000 अरब डॉलर आपका, 4,000 अरब बाद आपने जो इनिशिएटिव लिए जिसके ऊपर ये आज बात कर रहे हैं बड़ा जोर के साथ चीमा साहब के, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना, हम तो कहते थे रोड्स बनाने से तरक्की आती है, हम तो कहते और आज हमने साबित कर दिया। आप आज भी बात जिस चीज पे बहुत ज्यादा अफसोस होता है, लाहौर जैसा शहर वेयर आई लिव बहुत साफ सुथरा होता था, इट वॉज नीट एंड क्लीन, अब लाहौर जैसे शहर में वेर आई नेवर यूज टू सी कचरा, और मैं बड़ा हैप्पली PTV पे क्या कहा करती थी जब मैं वहां पे शो करती थी, लाहौर बड़ा साफ सुथरा, पंजाब असेंबली के अंदर हम ये बात उठा चुके हैं, छोटा वाला ये ऐसा इनलाइटेंड है, जब इनके दौर में भी कचरा होता था, हम बड़ी सड़कों पे नहीं आता था, इनका प्रॉब्लम ये हुआ कि वो बड़ी पे भी आ गया, वो बड़ी पे पर भी आ गया ना, भी आ गया, काम कर होता नजर तो आ रहा था ना, इनका वाला था ना जहाँ से बादशाह सलामत गुजरते थे, लेकिन एक बार बताऊं, PML से जो गिला है कि बस रोड और पुल और रोड और पुल और रोड और पुल, ये एक गिला है, गिला बाप इनको इनसे तो नहीं है, नहीं है, मैं आपसे एक मिनट पहले मैंने आपसे कर मैं बता रही हूँ ना, मैंने दुनिया का डायरेक्शन यही बता रहे उसका जवाब बता, दुनिया की तरक्की का पैमाना अगर आपने मापना हो तो आप उसकी रोड्स को देखते हैं, पूरी दुनिया का ये सिस्टम है, जितना मर्जी आप जाने में आ जाओ, बड़ी सड़कों पे की मार रही है तुसी कह रहे हो रोड, बड़ी सड़कों पे भीड़ ज्यादा होते हैं, की करना भाई मेरी बात, ज्यादा मांगते हैं, जहां पर सड़क बनेगी, नहीं नहीं आपकी कौन सी दोस्ती हुई, जहां पर सड़क बनेगी वहां पर स्कूल्स बनेंगे, कारोबार आएगा, लोगों की आमदरफ्त मंडी तक रसाइयां होंगी, तो उसको जो है एजुकेशन का सिस्टम बेहतर होगा, हेल्थ वहां पर प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगी, शिबाशी सब अच्छी गाड़ी में तेजी से गुजर जाएंगे, अभी आप ऐसा था नहीं बट सब अब देखे, अब शिबाशी को भी आप याद कर रहे हैं, अभी जुगन गंदा हो गया, अब आप जो मर्जी कह लें आप, लेकिन शिबाशी को आप याद कर रहे हैं, याद आप शिबाशी पर कर रहे हैं, उसने जो पंजाब को बाकी तमाम रो रहे थे, अब जरा ज्यादा रो रहे हैं, तरक्की की तरफ लेकर गए, अगर आप देखें तो कार्डियोलॉजी के अंदर, अगर आप देखें भी, आई विल गिव यू योर थिंग, जुगन ने भी बात की कि कार्डियोलॉजी हेल्थ के ऊपर बात करिए, आप देखें पोलियो हाँ यस यस, आप देखे ना आप कहाँ जा रहे हैं, जब मैं ये बात करूंगी, अभी जो आपने बात की कार्डियोलॉजी के अंदर 3 आपने फ्लोर्स बना दिए इमरजेंसी के, वो फ्रेंड्स ऑफ कार्डियोलॉजी, हाँ बिल्कुल बनाया, आप जाके देखें पूरे पंजाब नहीं दूसरे सूबे, इनके खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी वहां पर आ रहे हैं और वहां फैसिलिटेट हो रहे हैं,
इतनी उसकी पैथेटिक सिचुएशन चली गई, बनाया ना, चली गई कि आप वहाँ पर इमरजेंसी के अंदर कॉकरोचेस की भरमार है। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले का वाक्य सुना रही हूँ आपको, गंदगी के वहाँ भी ढेर लगे हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर भी। यस, चले मेरे साथ, अभी दिखाती हूँ आपको 3-4 दिन पहले का वाक्य। और ये वाक्य हुआ और मैं देख के हैरान रही, कॉकरोचेस बिस्तरों के ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर घूम रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है उनको। और ये आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई उसकी? जनाब मैं आपको बता, मैंने पंजाब असेंबली के अंदर क्वेश्चन रेज कर दिया। आपने वीडियो बना ली उसकी? नहीं नहीं, देखिए बात सुने, मैंने उसे क्वेश्चन रेज किया कि ये हेल्थ का जो इतना बड़ा सेंसिटिव एरिया मौजूद है उसके अंदर कॉकरोचेस जो दुनिया में समझा जाता है कि बीमारी की, आपको पता है इतनी अजीम डॉक्टर हेल्थ के शोबे में है, ये बताइए ये जो ये सारा कुछ जो हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए पोलियो इज ऑन अ राइज, जनरली बीमारियां और ऑन अ राइज, हेल्थ केयर का सिस्टम इम्प्रूव होता हुआ नहीं नजर आया। कम अज कम एटलीस्ट ये बात थी कि PMLL के जमाने में इट वॉज लोअर। इसमें थोड़ा सा गौर करें आप कि ये जो हेल्थ कार्ड सिस्टम आया है, हेल्थ कार्ड सिस्टम से बहुत बड़ा एक क्वांटम जंप है इसमें इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ। इनिशिएट कार्ड अपने सियासी वर्कर्स को दे रहे हैं, अगली दफा वोट सानू पाना नहीं नहीं, कितने लोगों को, ऐसा नहीं है अपने हल्के में हर जोन सा कोऑर्डिनेटर है उसको, बल्कि कोऑर्डिनेटर तो भी आए नहीं, चीमा साहब कितने मिले आपको, कितने मिले मेरे पास 44 लाख आपने अपने लोगों को दिए हैं ना। एक मिनट सुन लेना, आपने किसी ऐसे बंदे को दिए हैं जो मुस्लिम लीग का चेयरमैन हो, कुछ चीजों काउंसलर हो, कुछ चीजों को आप मेरे रिकॉर्ड ठीक रहने दें। अच्छा मेरे पास कार्ड है, खराब कर दें, मेरे पास कार्ड है 44,000, ठीक है, मेरे पास कार्ड है 44,000। और ये सर्वे वही है जो जिन लोगों ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे किया था, उसी सर्वे के मुताबिक वोटर सपोर्टर को नहीं देंगे तो आपने अच्छा, तो अभी अगला जो कार्ड है, अगला जो कार्ड प्रोग्राम के लोगों को, नहीं नहीं नहीं, अभी रिसर्च सर्वे की बात है, सर्वे की बात, सर्वे की ठहर जाए ना, उसी सर्वे के तहत आपने कह दिया कि जन इतने लाख लोग तो फेक मौजूद हैं, 8 लाख लोग मौजूद है ना, अब आपने कह दिया कोई लोग भाई, अगर 70 लाख लोग हैं तो उसमें 8 लाख मौजूद है। आप वहाँ से इलेक्शन लड़े हुए, सच्ची मुची आप तो बहुत ही अजीब बात कर रहे हैं, बहुत ही अजीब बात कर रहे हैं, 62 लाख लोग ठीक है, 62 लाख लोग ठीक है तो 8 लाख की बुनियाद पर लोगों को इस वक्त तक जितने भी कार्ड दिए गए हैं वो पुराने सर्वे के मुताबिक दिए गए। अगली बात, हमने कहा है कि जो आप कह लें, मतलब स्पेशली मैंने जो कहा अपने इलाके के हवाले से, मैंने कहा जितने यहाँ पे आप कह लें कि बैक एंड पे साफी हैं वो, या आप कह लें गवर्नमेंट के छोटे मुलाजम हैं वो, जिनके नाम रह गए डेफिनेटली नहीं, 20,000 सैलरी वाला जो बंदा भी ड्यू डिजर्व करता है, 20-25,000 सैलरी वाला हर बंदा डिजर्व करता है, फिर आप कह लें गवर्नमेंट के छोटे जो मुलाजम हैं 4th, 5th, 6th स्केल के जो भी रह गए हैं, अच्छा इस तरह मुख्तलिफ सेक्टर्स के हमने कहा वो डालें इसमें। अच्छा तो आप कह लें कि हमारा नाम अभी आना है कि हम किस किस को रिकमेंड कर रहे हैं, वो रिकमेंडेशन वही है जो जिन लोगों को 20-25,000 से सैलरी कम होगी, पहले वही लोग हैं जो मतलब जिस एजेंसी ने इंटरनेशनल सर्वे किया था उसी के मुताबिक दिए गए हैं। सो प्लीज इसको आप, इसको ना आप मुतनाज़े ना बनाएं, बिल्कुल मेरी आवाम जो भूखी मर रही है, जिनके सरों पे छत नहीं है, जो बीमारियों के, जो ऐसी बीमारियों से मर रहे हैं जो बड़ी इजिली प्रिवेंटेबल है, उनके लिए आपने क्या किया है? व्हाट डिड पीएमएल एंड डू? वी वांट टू नो आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सुबह सुबह ये सारे लड़े, समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, मैंने इन सबको कह दिया अब से मैं इस प्रोग्राम में आऊंगी नहीं, ये लोग आपस में खुद ही क्या करें प्रोग्राम। अच्छा मैम, जस्ट गिव मी अ स्ट्रेट आंसर, अगर चले उन्होंने कख नहीं किया तो उसी की कीता है? अच्छा अब मुझे रोडों के और ट्रेनों के अलावा आपने बताना है मैम। बिसाइड्स रोड्स तो आपकी तबाही की तरफ है, उसकी भी आप बात नहीं करें। अच्छा ठीक है, बात ही ना करें ना। सो टेल मी व्हाट डिड पीएमएल एंड डू? मैं बता, देखिए मेरी बात सुन,
आप हेल्थ के सेक्टर में चले जाएं, हमने प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड एजुकेशन को अलग-अलग दो सेक्टर में किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर इकट्ठे से काम करना और बजट्स को लगाना बहुत मुश्किल काम था। हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया, जिसके ऊपर डॉक्टर साहबा बहुत तनकीद करती रही, इवन पीटीआई बहुत तनकीद करती रही। बिल्कुल अच्छा, हमने उसके अंदर इतना अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, 100% कभी भी आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर उस तरह से रिजल्ट 100% नहीं मिलता आपकी, क्योंकि डिसकॉन्टीन्यूटी रहती है तमाम आपके इख्तियारात की और आपके इकदाम करने की कि आपके काम रुक जाते हैं। लेकिन हमने बहुत कोशिश की कि हम उसको 60% तक मुकम्मल करें और हम उसमें कामयाब रहे। हमने ऐसे वैंस को बनाया, हमने जो दूर दराज इलाकों में जाते थे और वहाँ पर लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती थी, आपके तमाम हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया गया, बिस्तरों की तादाद बढ़ाई गई, डॉक्टर्स को अच्छी तनख्वाहों पर रखा गया। सबसे बड़ा आपका कैंसर और आपका जिगर और गुर्दे का यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया, वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अगर आप उसको चला नहीं पा रहे तो अलहदा बात है, लेकिन आपको ये इकदाम करके दिखाए भी गए और बजट को लगाया भी गया और बताया गया। अच्छा, अब उसके बाद जनाब आपने आके बहुत सारे माशा बताने, हौसला तो करो यार, हौसला नहीं हो रहा साल आपने, नहीं, नहीं, वो मेरी, अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो मेरे भाई की जिम्मेदारी, अगर आपका हौसला तोड़ रहे हैं तो आपसे नहीं हो रहे थे। आपने अगर भाई आपने 10 साल का बता नहीं बता पा रही, मुझसे 1 साल का मांगे जा रही, आपने 10 साल, वो आपसे 10 साल का मांग रहे हैं, आपसे मांगे नहीं, हम तो कह रहे हैं जो काम, वो आपसे 10 साल का मांग रहे हैं, आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपने इफ्तिताह किए हैं 10 साल में, आप एक स्थल बता सकी हैं कि जी एक स्थल बनाया जिगर गुर्दे का, आपने विद इन 10 ईयर आपके पास बताने को क्या एक स्थान, वो भी बना नहीं, कंप्लीट नहीं बना 10 साल में, कंप्लीट नहीं हुआ। जाके देखें आप तैयब उर्दगान वाला जो, मैं कह रहा 10 साल में कंप्लीट नहीं हुआ, मुजफ्फरगढ़ में एक बना, चलो ठीक है दो, मुजफ्फरगढ़ में बन गए दो हो गए, और आप बात अभी कर रहे थे, हमने 9 हॉस्पिटल कितने बताए, आपने कितने बनाए बताए ना, 10 साल में कितने, अच्छा आप हमने 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 1.5 साल में बना दिए 9, आपने क्या बनाया 1.5 साल में, ना जाने वो 9 जो बने ना वो 7वें आसमान के ऊपर, 8 यूनिवर्सिटीज़ 9 जनाब वो 7वें आसमान के ऊपर, हमने असेंबली में पूछा, हमें जवाब नहीं मिला कि वो कहाँ पर मौजूद है, उनकी कहाँ अपने एलोकेशन की है जनाब, फंड्स कहाँ हैं, वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल, हमें जवाब नहीं मिला, ऑफिशियली उसका आंसर नहीं मिला। आप बैठकर यहाँ पर झूठ की बुनियाद के ऊपर अगर बात करें कि आपने 9 यूनिवर्सिटीज़ और 8 हॉस्पिटल बना दिए पंजाब के अंदर, आपसे एक कार्डियोलॉजी संभाला नहीं गया, सर्विसेज की हालत इतनी बुरी है, म्यू हॉस्पिटल जाके देख ले वहाँ बिस्तरों की तादाद है, बड़े और गंदे लफ्ज़ बोलती है, मैंने झूठ का क्या मतलब क्या है, मैंने आप झूठ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, आप झूठ बोल रही हैं, क्या मैं क्या, ये रिकॉर्ड है, आप झूठ बोल रही हैं, इस तरह क्या मतलब, ये तरीका बात करने के रहने वाले नहीं, आप बात करें ना प्लीज, इस तरह ये क्या बात है, झूठ बता दिया भाई, 9 हॉस्पिटल हमने बनाए, 8 यूनिवर्सिटीयां बनाई, मैं कह रहा हूं आप रिकॉर्ड बना रहे हो, आप कह रहे हैं आपकी तबीयत ही ऐसी हुई ना, आपकी तबीयत ही ऐसी हुई है, क्या आप ऊपर से झूठ बोलना शुरू करते हैं, नीचे तक क्यों झूठ बोल रही हैं, आप सुबह सुबह क्यों झूठ बोल रही हो, टाइम पे झूठ बोलने का, नहीं बोल रही आप, बोल रहे हैं झूठ बोलने का टाइम है, आप ऑफिशियली नहीं बता पाए, रिकॉर्ड नहीं दे पाए थे भाई, आप नहीं दे पाए आप रिकॉर्ड, आप मेंबरान असेंबली से पूछिए, आपके अपने मेंबरान से आप फायदे देते हैं, चले बताइए बताइए, अब यहां कल का प्रोग्राम रख देते, वहां दे देते, भाई 9 यूनिवर्सिटी हम 8 यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, 9 स्तंभ का मैं चैलेंज कर रही हूं, मैं चैलेंज कर रही हूं, बताइए कल इसका ले लेते हैं टाइम, एक ही बता दे कि जनाब आपने क्या काम किया, क्या मतलब कि आप चोरी करके लूट मार करके सारा टब्बर भाग गया, लोगों को झूठा कह रहे हैं, सारा टब्बर मफरूर, सारा टब्बर मफरूर, लोग उन्हें सारा टब्बर मफरूर, सारा टब्बर मफरूर, इतना इतना इलाकी तौर पर गिरा हुआ खानदान लोगों को झूठ कह रहा है, अब तो लूटने वाले आपने भी छोड़ दिए, आप गिरे हुए इलाकी तौर पर, इतना गिरा हुआ खानदान क्या झूठ, ये बात का कसूर नहीं है, जो इनकी लीडरशिप दिखाती है ना, झूठ वो इनके नीचे ट्रिकल डाउन हुई है, अगर ये आएंगे ना, वो आज तो यकीनन व्यूअर्स हमने प्रूव कर दिया कि जुगन एट नाइट में सब मिलेगा, ऐसे ऐसे दंगे फसाद मिलेंगे कि हमें ब्रेकों में जाना पड़ गया, ब्रेक में मैंने कहा मेरा है इतना तेज दिल धड़क रहा है, समझ नहीं आ रही पंजाबी वाला तरा निकल गया मेरा और है, चले वर्सेस सिंधी तरा, सिंधी तरा। अच्छा अब आप कुछ तबसरा करना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा था, आपने कुछ 36 सवाल पूछने का वादा करके ताने मारे हैं, सिर्फ ताने मारे, सवाल अब सवाल ही पूछना, सवाल ये है कि इनके जमशेद चीमा साहब के हलके में एक हॉस्पिटल है
उस हॉस्पिटल का नाम था न्यू क्रोल हॉस्पिटल, जो मुस्लिम लीग नून ने कंप्लीट किया, वो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने कंप्लीट करवाया, उसकी सारी मशीनरी पड़ी रही। 3 शो मैंने वहां पर किए, मैडम यास्मीन राशिद को जाके कहा कि उसे खुदा का वास्ता उसे कर दें। एंड उसका ये हुआ कि वो हॉस्पिटल जो सा है वो शहबाज शरीफ साहब की बनाई हुई एक कंपनी जो नैब से क्लियर हुई थी, हेल्थ फैसिलिटीज जो कंपनी बनाई थी पंजाब की, उसको दिया और उन्होंने अब वो चलाया और आपने जाके उसका इफ्तिताह भी किया। तो ये तो सारी आपकी वो तरक्की और आपकी तमाम की तमाम एफर्ट्स रहे हैं। न्यू क्रोल, अच्छा नहीं न्यू क्रोल घाटी, उसमें गलत क्या है ये बताएं। आपने चला 8 महीने तक आप उसको चला नहीं सके, 8 महीने क्या करते रहे वो बना हुआ हॉस्पिटल, सिर्फ इसलिए कि वो पट्टी वहां पर हमजा शहबाज की लगी हुई थी, वहां पर जो पट्टी लगी हुई थी वो ख्वाजा इमरान नज़ीर की लगी हुई थी, वो चल ही नहीं सका। सर देखें, मैं समझता हूं कि 10 साल जो लोग सर वो आपको लोग कहते रहे हैं आपके आपके अपने हल्के के, मुझे बताया मुझे पता है, मैं जाऊं वहां उसका इफ्तिताह किया था आपके साथ। देखें इसमें दोबारा से आप ये ज्यादा ना करें कि देखें हमजा साहब अपना शहबाज शरीफ साहब अगर देखें तो रिसेंट 10 साल हुकूमत करके गए, पीकेएलआई बंद कर दिया, उससे पहले भी हुकूमत करके 12 लाख रुपए वो अब लग रहा था। लेट हिम फिनिश। उसमें जगह जगह फटियां तो उनकी होंगी, ठीक है, जिसने भी हुकूमत की, पीपल अगर सिंध में जाए तो पीपल पार्टी की फटियां तो होंगी, ठीक है, वहां पे जाए बट आई वांट हिम फिनिश लॉजिकली, मतलब हमें थोड़ा आर्गुमेंट तो अच्छा है। वो जो करोल घाटी वाला अस्पताल है, करोल घाटी वाला अस्पताल है, न्यू करोल घाटी तो दूसरे पास है सर, न्यू करोल वाला उधर तो मैं गया ही नहीं हले, उधर तो स्कूल 2 बंद पे ने जेडे में दहाद खा के थक गया। अब यहां पे जो मशीनरी चाहिए थी रिक्वायर्ड मशीनरी आई, अस्पताल चला, मैं वहां गया, ठीक है, हमने मतलब वहां काम किया, हमने पूछा जो 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 रिक्वायरमेंट हम दे रहे हैं उनको, ठीक है, तो सिर्फ उनको बंदे चाहिए थे काम करने के लिए। जो आपको पता जी, आपको पता सिर्फ बंदे चाहिए थे, मशीनरी पड़ी थी करोड़ों रुपए की मशीन पड़ी थी, मिला ना उनको बड़ी देर बाद। इसमें सवाल क्या है, उसमें सवाल क्या है, मिला है 8-9 महीने के बाद। अच्छा, तो मैं इसमें इसमें जस्ट काम भी पूरा नहीं कर सकता। मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि आपको पता है मियां मीर का अस्पताल, मियां मीर का अस्पताल नहीं चल सका, मियां मीर वाला अपने एफिशिएंसी काम नहीं कर रहा, उसका ऊपर वाला फ्लोर खाली है सारा, मियां मीर और ये बात अलीम खान साहब खुद कहते हैं 5 साल के हां वो नहीं चल सका, आपके अपने लीडर कहते हैं मेला पड़ा रहा नहीं चल सका, वो अलीम खान ने ठीक करवाया था, वो अलीम खान का पर्सनल एफर्ट था, अलीम खान का था और परवेज अलाई का था, हां अलीम खान का था। अच्छा, शहबाज शरीफ ने नहीं चलने दिया, अब दोबारा आके हमने चलाया, आपने भी नहीं चलने दिया, 10 साल नहीं चलने दिया, 100 बेड का हॉस्पिटल है वो अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा, जो अस्पताल 10 साल नहीं चला हमने 8 महीने में चला दिया ना ये वाला, ठीक है साहब, वो सारी बातें जो सी हैं वो क्या अब हम करेंगे ना करें। मैं कह रहा हूं कि देखें करोल घाटी का न्यू करोल घाटी आपके अपने हलके में चल पड़ा, आप खुद कह रहे चल पड़ा और मैं वहां गया, ठीक है, मैं गया, मेरी वाइफ गई, हम दोनों गए वहां पे, बार 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 गए हम बार बार, जब वो मैडम को आपने फिर तरले कर लिए कि मैडम के चला दें मैडम, फिर जाके कहीं और उसी कंपनी को दिया जिसको कहती थी, मैं कह रहा हूं कि हम तो हर जगह कंपनी है शहबाज शरीफ की के वहां पे फटी लगी है हमजा शहबाज साहब की या शहबाज साहब की, हमने चलाया वहां, लोगों ने कहा वो उतरवा दें, फटिया आर इनसिग्निफिकेंट, द अवाम इज द सिग्निफिकेंट पीपल, मेरी बहन हमने चलाया। अच्छा, अब मेरा सवाल ये कि टॉल प्रॉमिसेस और बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, 100 दिन वाली जो बात की वो इतनी बुरी मुंह पे आई सर, द प्रॉब्लम इज अवाम चीखे मार रही है। मैंने तो पीटीवी पे प्रोग्राम किया 9 साल माशाल्लाह, एंड इन दोज 9 इयर्स अवाम के साथ बहुत इंटरेक्शन रहा, पीपीपी की गवर्नमेंट में भी, पीएमएलएन की भी, एंड देन पीटीआई के भी कुछ अरसे के लिए आई वाज देयर, एंड देन आई स्विच्ड, चीखे मार रही है अवाम बॉस, they're crying because मतलब बिजली, गैस, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक चीजें नहीं पूरी हो रही सर। मेरी बहन देखें, जब मुझे ये बता दें कि मेरी जब 1600 डॉलर या 1700 डॉलर पर कैपिटल इनकम हो, दुनिया आप कह लें कि आप आपकी फूड पूरी ना हो रही हो, आपके 40% लोग फूड इनसिक्योर हो, जॉबलेसनेस मौजूद हो, वहां पे बीमारी हो, एजुकेशन कम हो, चीजें तो बनती हैं। अब हम क्वेश्चन ये है कि हम अगर 10% सालाना भी ग्रो करें, 8% भी करें, 7% करें, तो $100 बढ़ेगा, अब फिर भी कितनी हो जाएगी, 1700, 1800, 1900 था, आपकी आंखों का तारा था जब मैं इनकी गवर्नमेंट को रगड़ता था, अभी आपको लोग पसंद क्यों करते थे सड़क पे, वो इसलिए पसंद करते थे कि आप तब्दीली लाना चाहते थे, आप चाहते थे ऑस्टेरिटी आएगी, इमरान खान की पहली जुबान से जो मुंह से बात निकलती थी ऑस्टेरिटी निकलती थी, उसने कहा था मैं बचत करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा जो ये बादशाह सलामत जिनको कहता था वो करते रहे, लेकिन वो सारे के सारे काम इमरान खान ने किए,
दोबारा दोबारा किए। इवन के ये हो गया कि लोग अब सड़क पे ये कहते हैं इमरान अपनी ऑपोजिशन आप है, जब भी कोई कदम उठाता है उसकी पुरानी टेप्स लोग चलाते हैं और वो दिखाते हैं उसको कि उसने क्या काम किया। वो इसलिए कहते हैं कि आपकी ऑपोजिशन जो है टेंटेड है, स्टिग्मा ऑपोजिशन वो खुद अपनी काम नहीं कर रही। बेसिकली इस वक्त ऑस्टेरिटी मर गई चीमा साहब, पीटीआई की ऑपोजिशन दो लोग हैं, पीटीआई की ऑपोजिशन दो लोग, इमरान खान साहब मीडिया है, एक मीडिया है, एक पीटीआई की नहीं सर, मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया पीटीआई को, हर बंदे को अपनी सीट की पड़ी होती है, मेरी आवाम का क्या होगा, दैट्स ऑल आई वांट टू नो। इस हमेशा एक ये वॉर होती है, तगोदो होती है कि पीटीआई पीपीएमएल पीपीसी बस ये आपस में ही सारे लड़ते रहते हैं। वो एक जमाने में हम लोग ईमानदारी से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ईमानदारी से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां तक आपका साथ दे उसमें हमारी दुआएं आपके साथ है, करप्शन कम हुई है, ये चीजें हो रही हैं डेफिनेटली ठीक है। और जो लोग हैव नॉट सोन के लिए बढ़ गया महंगी कर दी, बुजुर्ग साहब बदल दें। अच्छा ओके, आई हैव वन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप लोग 10 साल चला चुके हैं ना, आप क्या प्रपोज करते हैं ये लोग करें? ठीक है, अभी लेट्स नॉट, अभी एक सेकंड वो कहेंगे सर बड़ा अच्छा सवाल है, बिकॉज़ अल्टीमेटली नहीं, बिकॉज़ अल्टीमेटली हमारा बिकॉज़ अल्टीमेटली गोल आप सब हमेशा एक ही बात, हर गवर्नमेंट यही कहती है कि हमारी प्रायोरिटी आवाम है। मैं बताती हूं, आप लोग करें ये लोग करें, हमारा टारगेट एक ही है जी, क्या है हमारा टारगेट एक है, बिल्कुल ठीक है, आवाम टारगेट है, बकरी दो शेरों में एक ही है, वो हम उसको रिलीफ मिलना चाहिए, बकरी मेरी उसको रिलीफ मिलना चाहिए। सो व्हाट डू यू प्रपोज, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम आपके साथ मुईशत का मिसाक करने के लिए तैयार हैं, हुकूमत सीरियस नहीं थी, हम तो चाहते थे टॉपिक को कहीं और ले जाना चाहते हैं तो वो जुगन की बात नहीं है, वो कहीं ले जाएगा, नहीं नहीं क्यों नहीं है, अब ये इनसे पूछ रही हैं आप, अगर इनके लीडर से पूछें वो कहेंगे हुकूमत से बट सर मैं बता देती हूं, शहबाज शरीफ के मुंह के अल्फाज हैं कि मुझ पे ट्रस्ट करें मैं 10 दिन में ठीक कर दूंगा। सर मेरी एक बात सुनो, मेरी बात देखो, टॉपिक बदल रहे हैं, देखिए कि मैं जस्ट से समथिंग, अगर आप टॉपिक बदल देंगे बात कुछ और बात की करेंगे, एक बात जो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगती है, एक सेकंड, मुशर्रफ साहब, नवाज शरीफ साहब एंड जरदारी साहब, दे आर ऑल थ्री ऑफ देम आर जेन्युइनली अनवेल, सो प्लीज ये वाली चीज एज फ्रॉम अ ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इसमें नहीं पढ़ना, मेरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सो द पॉइंट इज इफ दे आर अनवेल उन्होंने अपना जहां जहां जो जो इलाज करवाना है, शहबाज शरीफ का नाम, अगर शहबाज शरीफ का नाम लिया बट वो साथ गए, वो साथ वैसे ही गए हैं, साथ क्या मतलब, साथ का क्या मतलब है, इजाजत से गए हैं, साथ जाने का क्या मतलब है, ये है ये इनकी सीरियसनेस है गाइस, ना ये करना चाहते हैं, आई रिक्वेस्ट दैट हम जो फोकस है इस वक्त आवाम है, ना ये करना चाहते हैं ना ये इनकी कोई सीरियसनेस, सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू प्रपोज and I want to know what you people plan to do so that कुछ तो जवाब आवाम को मिले, वरना ये typical current affairs का शो होगा जिसमें लड़ाइयां होती रही हैं, जवाब कोई नहीं मिला, I want answers। अगर अगर देखेंगे मेरे भाई क्योंकि पंजाब से ताल्लुक रखते हैं तो मैं जरूर इन्हें कहूंगी कि सबसे पहले जिस सबसे ज्यादा महंगाई के ऊपर सफर कर रही है आवाम, तो आपके पास बड़ा अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे उनको इनएक्टिव किया हुआ है, उसे एक्टिव करें, आप उसकी खुद सरबराई करें, जो सियासतदान हैं जो अवामी नुमाइंदे हैं आप बैठकर वहां पर डिसाइड करें, जैसे हम करते रहे हैं कि जनाब अवाम को इतने पैसों में ये चीज़ मिलनी चाहिए, मिडल मैन आपका पाकिस्तान के ऊपर छा गया है और उसने बुरी तरह से अवाम को मुतासिर कर दिया, आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये सारा सिस्टम मौजूद है, मैं इन्हें यही एडवाइस करूँगी कि खुदारा आप उन कमेटीज़ को एक्टिव करें ताकि आपकी जो लोकल जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनके जो प्राइसेस हाई हो रहे हैं जिसकी वजह से सब सफर कर रहे हैं वो कंट्रोल में आ जाएगा, और लेकिन ये आपको करना पड़ेगा भाई, आप हुकूमत के अंदर हैं, अगर बुजार हुकूमत की तरह गवर्नर हाउस में जाके आपने गर्म पानियों के अंदर ही रहना है, सोना है और आराम फरमाना है तो फिर नहीं ये काम चलेगा, आप है, आपकी बड़ी हिम्मत की बात है, आप फिर भी कुछ ना कुछ मेरे साथ बहुत टॉक शोज में आते हैं कि आप सच बोल भी देते हैं लेकिन बहुत सारी बातों पे आप डिफेंड करें, अपनी हुकूमत को जरूर करें, आप उसके मेंबर हैं, आप उसके टिकट होल्डर भी हैं, लेकिन हाँ। आप अवाम को जब तक अपनी परफॉर्मेंस और हमें गंदा गंदा कहता रहेंगे तो आप अच्छे कभी साबित नहीं हो सकते, नहीं बट आप लोग भी उनको गंदा देखे, मेरी एक अपोजिशन का काम होता है, मेरी बात सुने, हमने आप लोग ट्रेंड चेंज क्यों नहीं कर सकते, बात सुने ना जुगन, देखिए मेरी बात सुने, हमारा अपोजिशन का जो काम होता है वो होता है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए जहां हम आवाज उठा सके, यकीनन पहले दिन से लेकर आज 14-15 महीने हो गए अवाम को रिलीफ नहीं मिला, आपने 300-400% आपने गैस बिजली पानी आपने हर चीज में प्राइस बढ़ा दी, तो हम शोर ही मचाएंगे ना, इसमें तनकीद नहीं है, एक बात जिसको कख नहीं पता पॉलिटिक्स के बारे में और ये सब जानते हैं कि मुझे कख नहीं पता, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर सब आपस में लड़ना छोड़ दे
और सब मिलके एक ही काम करना शुरू कर दें तो आई थिंक वी वुड बी मच मोर। तुम चुप करो, तो उसको बिरयानी की भूख लगी है, किचन में क्या हालात है बहन, ये तो ये इस लड़के को बता दो, इसको टेंशन हुई है खाने किचन में सब कुछ बन चुका है हमारा, nice. सारा कुछ बन चुका है। सर 2020 में हम क्या एक्सपेक्ट करें पीटीआई से, मुझे सिर्फ ये बता दें फ्रॉम द गवर्नमेंट। पीटीआई का जो काम है, पीटीआई का जो फोकस है, वो ये है कि जो 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 सेक्टर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ज़्यादा करते हैं वहाँ पे फोकस किया जाए, ठीक है। उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें आपकी इंडस्ट्री है, उसमें फिर अगली बात जो अगर ह्यूमैनिटेरियन बेस पे देखें तो जो लोग जो तबकात महरूम हैं उनके लिए काम करें, उसमें नौजवान हैं, उसमें एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ये मतलब किसान हैं, और उसमें मजदूर है, मतलब उन तबकात को ज्यादा सपोर्ट किया जाए, और जो एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट किया जाए। ये मशवरा दे रहे हैं या मंशूर बता रहे हैं? ये इनका टारगेट ये है, फिर अगला टारगेट अगली ये है, मुझे लगा शायद मशवरा दे रहे हैं। अगली बात जो है कि रिजल्ट में से पूछ लेना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, नहीं वो 20 ये आइडियाज अच्छे हैं लेकिन ये सुनेगा कौन? अच्छा फाइनली व्हाट आपकी क्या ख्वाहिश है, आप आवाम की आवाज हैं, व्हाट यू वांट टू से? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, देखें मेरा लीडर अगर है ना जिसको अवाम लीडर मानती है, चलें इस बात को पता नजर के इलेक्शन में क्या हुआ मान लें, अवाम ने वोट डाला, अवाम ये चाहती है कि ये जो हैं ये अगर अवाम ने एक पत्थर बांधा हुआ है ना तो मेरा लीडर दो पत्थर बांधे हुए नजर आए मुझे पेट के साथ, ठीक है। अगर मैं सफर कर रहा हूँ ना तो मेरा लीडर मुझसे ज्यादा सफर करता हुआ नजर आए।